चैनल प्रभावी कंपटीशन अब मैं सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरे मित्रों, जो हमने स्टार्ट किया है लूसेंट का सीरीज़, लूसेंट की सब्जेक्टिव सीरीज़ हम अभी कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव तो ऑलरेडी कवर हो गया है पूरा, उसका कंप्लीट सिलेबस हमने उसको देख लिया है, तो उसको तो आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट पे ज़रूर जाके देखें। और इसको भी आप देखिए, क्योंकि ये भी बहुत सारा कंटेंट इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। एंड आगे भी हम इसे बहुत ही जल्दी टारगेट है कि इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो ज़रूर बोलूँगा कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी में जो भी हम हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली करेंगे, दिलो जान से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। लूसेंट का जो है मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री में इससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, जैसे कि मॉडरेट फेज, एक्सट्रीमिस्ट फेज, ये सब हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक होगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि गांधी जी को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका बहुत सारा क्वेश्चन कवर हो जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन कवर होता है आपके एग्ज़ाम में। बट अच्छे से अगर आपको इनकी समझ है, इनकी परख है, आपने पढ़ा है तभी। तो गांधीयन एरा को पढ़ेंगे 1917 में। एक्चुअली ये 1915 में आए थे और प्रिसाइजली बताऊँ तो 9 जनवरी को आए थे, और इसीलिए इस दिवस को जो है हम प्रवासी भारतीय दिवस के यानी कि NRI डे के तरीके से भी मनाते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक जो है आज हमारा है महात्मा गांधी के बारे में। इनका पूरा जो जीवन काल रहा 1869 से लेकर 1948 तक का, इसको एक क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें कि गांधी जी का क्या सीधा भारत में ही मूवमेंट स्टार्ट हो गया था क्या, या फिर इससे पहले कहीं जाके उन्होंने मूवमेंट किया था, तो जी हाँ, उन्होंने गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में जाके 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। वहाँ पे इनका बहुत ही सक्सेसफुल मूवमेंट चला था अगेंस्ट, ठीक है, वहाँ पे जो तमाम दिक्कतें थी उसके अगेंस्ट में। तो 1893 में डिपार्चर होता है गांधी जी का साउथ अफ्रीका में। ही एक्सपीरियंसेस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन वेरियस फॉर्म। इवन इनको जो स्टेशन पे है, इनको गांधी जी को ट्रेन में से उतार के फेंक दिया गया था। फर्स्ट क्लास का टिकट था इनके पास, फिर भी इनको जाके ट्रेन के सबसे अगले डिब्बे में, ड्राइवर केबिन में बिल्कुल नीचे बैठ के इनको सफ़र करना पड़ा था। तो इनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ा। एक फेमस इंसिडेंस है कि गांधी जी वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन एट ये पीटर मेरिट बर्ग स्टेशन था। 7 जून को इनको उतार के फेंक दिया गया था 1893 में। कहता है 1894 में क्या हुआ, फाउंडेशन इन्होंने डाली नटल इंडियन कांग्रेस की, लड़ाई लड़ने के लिए। बेसिकली नटल इंडियन कांग्रेस की एक पॉलिटिकल टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन बना के, ठीक है, ताकि एटलीस्ट जो है एक फ्रंट रहे जिसके तहत, एक मंच रहे जिसके तहत ये लड़ाई लड़ी जा सके। तो नटल इंडियन कांग्रेस का इन्होंने फाउंडेशन डाला था। 1899 में फाउंडेशन पड़ा इंडियन एम्बुलेंस कोर का ड्यूरिंग बोर वार, और यही वो वार है जिसकी वजह से गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। जिन्होंने केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, केसरे हिंद, जिसको इन्होंने बाद में लौटा दिया था। फिर आता है 1904 में फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन मैगजीन एक है, इसकी भी इन्होंने फाउंडेशन डाली। एंड फिनिक्स फार्म, जस्ट लाइक फिनिक्स फार्म, किस तरीके का बताऊँ, जैसे साबरमती आश्रम था ना, उस तरीके का ये फिनिक्स फार्म इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था जहाँ पे लोग रहते थे। और ये फिनिक्स नियर डर्बन में ये किया गया था, फिनिक्स जो एक जगह है डर्बन के पास में, यहाँ पे इसका फाउंडेशन पड़ा। 1906 में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने सत्याग्रह किया, इंडिया में नहीं दोस्तों, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में, इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका में फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया इन्होंने, यानी कि सत्याग्रह किया अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवेसल। एशियाटिक ऑर्डिनेंस जारी हुआ था जिसमें बोला गया कि जो एशियाटिक लोग हैं वो अपने गले में हमेशा एक आई कार्ड टांग के घूमेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ कहानियां हुई थी। 1907 में सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस द ब्लैक एक्ट, ये भी ट्रांसवेसल में हुआ। इसके अगेंस्ट में जो ब्लैक एक्ट था, जो कि ट्रांसवर्सल में
यहाँ पे एक सत्याग्रह किया इन्होंने, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर ACN। और बोला गया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है और गले में हमेशा पास जो है आपको लटका के घूमना है और आपको वोटिंग का राइट नहीं रहेगा, तमाम इसमें दिक्कतें थी। 1908 में ट्रायल होता है इनका, गांधी जी का, और इनको जेल भेजा जाता है जोहानसबर्ग जेल में। फर्स्ट टाइम इनको जो जेल होती है वो यहीं पे होती है, ठीक है। एक ट्रायल इनका होता है और इनको जेल की सज़ा सुनाई जाती है, कैद की सज़ा सुनाई जाती है। जोहानसबर्ग जेल में इनका पहला अरेस्ट होता है। फाउंडेशन ऑफ टोलस्टॉय फार्म, टोलस्टॉय फार्म जो है 1910 में इन्होंने इसकी नींव डाली थी जोहानसबर्ग में, जिसे बाद में इसी का नाम जो है पड़ा गांधी आश्रम। गांधी आश्रम जो है बाद में इसका नाम पड़ा, और साबरमती का जो आश्रम है काफ़ी फेमस है इंडिया वाला। तो एक कह सकते कि प्रीकर्सर था ये टोलस्टॉय फॉर्म जो है गांधीयन आश्रम आश्रम का। 1913 में सत्याग्रह किया इन्होंने अगेंस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेज इन केप टाउन। तो 1913 में क्यों इन्होंने किया, क्योंकि जो मैरिज जो क्रिश्चियन रीति रिवाज से हो रही थी उसको तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर दिया जा रहा था साउथ अफ्रीका में, लेकिन जो नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस थी उस पे जो है उसको वो इनवैलिड मानते थे उस समय अफ्रीका में, और उसको दर्जा नहीं दिया जाता था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था उसका। तो इसके अगेंस्ट में अगेन इन्होंने सत्याग्रह किया। 1914 में ये साउथ अफ्रीका को छोड़ के हम सदा के लिए रिटर्न कर गए इंडिया में, और इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वार। तो ये एम्बुलेंस कोर जो था ये क्या करता था, जो ये लड़ाई चल रही थी बोर वार, इसमें जो घायल हो रहे थे उसकी मदद कर रहा था, उसके ट्रीटमेंट कर रहा था ये कोर, जो कि गांधी जी ने रेज किया था, और इसी के लिए इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो कि बाद में इन्होंने लौटा दिया था। तब अब इनका इम्पोर्टेंट पीरियड अब इंडिया का आ जाता है। इंडिया में इन्होंने 1915 से लेकर 1948 मरणोपरांत इन्होंने सेवा किया। तो 1915 में ये आए कहाँ पे, बॉम्बे में, प्रेजेंटली इंडिया मुंबई जो है, बॉम्बे में आए ये 9 जनवरी 1915 को आए, और इसीलिए जो है इसको इस डेट को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इन्होंने सत्याग्रह आश्रम्स का जो है एक न्यू डाला कोचराब नियर अहमदाबाद में 20 मई को। फिर उन्होंने 1917 में अपने आश्रम को, इस आश्रम को शिफ्ट करके बैंक ऑफ साबरमती ले गए, और उसी साल 1917 में ही ऑल इंडिया का इन्होंने टूर भी किया। मतलब ये 1915 में आए तो 1915 में ही पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं शुरू कर दी, ठीक है, इनको लगा कि नहीं एक दो साल समझना चाहिए मुझे भारतीय राजनीति को, बहुत ज़रूरी है। 1916 में क्या हुआ, ही डिलीवर्ड ए स्पीच ऑन ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमोनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट टाइम जो इनका पॉलिटिकल अपीयरेंस होता है वो इसी समय होता है, और ये सवाल पूछा भी जा चुका है UPSC में कि पहला जो इनका पॉलिटिकल अपीयरेंस हुआ वो कहाँ हुआ था, तो ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हुआ था, BHU में, 4 फरवरी को हुआ था। एंड ये उस समय तक तो ही वॉज अब्सटेनिंग फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, बट ये लखनऊ सेशन को इन्होंने 1916 वाले को अटेंड जरूर किया था लखनऊ सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बट ये अपने आप को दूर ही रखते थे। हालांकि BHU में इन्होंने स्पीच दिया था और काफ़ी उस समय बड़े बड़े नेताओं की नज़र पड़ी थी इन पे, लेकिन उस समय ये अपने आप को इतना जो है पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व कर रहे थे, एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, बट समझ जरूर रहे थे। और ये जब लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट किया इन्होंने, तो चंपारण के एक किसान, चंपारण के कल्टीवेटर राजकुमार शुक्ल जो थे, ये पहुँचे इनके पास, और इन्होंने चंपारण में जो तीन कट्ठिया सिस्टम था, मतलब कि हर 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में कंपल्सरली इंडिगो लगाना होता था, इस दिक्कत की बात करी इन्होंने राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को ये प्रॉब्लम बताई कि इसमें फ़ायदा नहीं होता है किसानों को, किसान जो है मरता जा रहा है। तो गांधी जी ने इनकी बात सुनी राजकुमार शुक्ल की, और इनको एश्योरेंस दिया कि मैं ज़रूर चलूँगा चंपारण में और कैंपेन करेंगे और इस प्रॉब्लम का निवारण ढूंढेंगे। तो फाइनली 1917 में गांधी जी इंटर्ड इन एक्टिव पॉलिटिक्स, जब इन्होंने चंपारण कैंपेन या फिर चंपारण सत्याग्रह जो है इन्होंने शुरू किया था।
टू रिड्रेस द ग्रीवांस ऑफ कल्टीवेटर्स ऑफ रेसिंग बाई इंडिगो प्लांटर्स ऑफ बिहार 1917 अप्रैल में इन्होंने शुरू किया, वही तीन कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में। तो चंपारण सत्याग्रह जो था इनका, इट वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट इन इंडिया। पहला जो है इनका सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है इंडिया में, और पहला कोई भी मूवमेंट है जो है इनका इंडिया में, वो चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि बिहार में पड़ता है चंपारण। ठीक है, फिर आता है 1918 में गांधी जी ने फरवरी 1918 में, थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, आई एम सॉरी फॉर दैट, फरवरी 1918 में गांधी जी ने लॉन्च किया द स्ट्रगल इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स की जो है दिक्कतें थी, वहाँ पे जो है उनको बोनस नहीं दिया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में वो लोग मूवमेंट कर रहे थे, और ये जो सत्याग्रह था ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। सो गांधी जी इन फरवरी 1918 लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर्स। हंगर स्ट्राइक इन्होंने पहली बार एज ए वीपन यूज़ किया यहीं पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में ही, फर्स्ट टाइम बाई गांधी जी ड्यूरिंग द अहमदाबाद स्ट्रगल। एंड इन मार्च 1918 गांधी जी वर्कड फॉर पीजेंट ऑफ खेड़ा। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों गुजरात में पड़ता है, तो अहमदाबाद जो है मिल स्ट्राइक, मिल प्रॉब्लम, इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड था, वर्कर्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड था, बट जो खेड़ा सत्याग्रह चल रहा था वो प्योरली एक पीजेंट के लिए था, जहाँ पे क्रॉप फेलियर के बाद भी इनसे रेंट की डिमांड कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो पीजेंट ऑफ खेड़ा के लिए इन्होंने किया इन गुजरात, हु वेयर फोर्स्ड फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द रेंट ओइंग टू फेलियर ऑफ क्रॉप्स। एंड खेड़ा सत्याग्रह जो था वॉज हिज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, पहला सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट कौन सा था इनका, चंपारण सत्याग्रह, और पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कौन सा था, वो था खेड़ा। ठीक है, खेड़ा का पीजेंट का मूवमेंट। फिर आती है बात कि भाई ठीक है इतना तो मूवमेंट किया, फिर 1919 में क्या हुआ, तो 1919 में जो है एक इन्होंने सत्याग्रह का कॉल दिया, जब एक फेमस जो है जालियांवाला, इन फेमस कहेंगे जालियांवाला बाग मासेकर हो जाता है रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जो उस समय चल रहा था, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यमाल पाल मलिक को अरेस्ट कर लिया गया था, उसके अगेंस्ट में लोग पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे। जालियांवाला बाग जो है वो पड़ता है अमृतसर के पास में, वहाँ पे बंदे काफ़ी ज़्यादा संख्या में उपलब्ध थे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। उस समय सिटी का जो देख रेख करता था वो जनरल डायर था, उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि भाई इनको एक ही दरवाज़ा है, बंद करो और इसमें गोली से उड़ाओ, और इसमें बहुत सारे लोग मरे। तो इसके अगेंस्ट में एक कॉल दिया सत्याग्रह का गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में अप्रैल 6, 1919 को ही टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था 1919 वाला, जो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने अपना केसरे हिंद का जो गोल्ड मेडल था उसको लौटा दिया एज ए प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, कि भाई जी इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा जालियांवाला का बाग का मासेकर हुआ, इसमें इतने सारे लोग बने मरे हैं, तो मुझे जो है लगता है कि ये केसरे हिंद मेरे किसी काम का नहीं है, और इन्होंने लौटा दिया। ये जो इंसिडेंट हुआ था जालियांवाला बाग मासेकर, ये अप्रैल 13, 1919 को हुआ था। एंड इसके बाद द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस को भी इन्होंने हेड किया, क्योंकि ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो है उस समय 1919 में खलीफा के अगेंस्ट में, तुर्की का जो खलीफा था उसके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रियों ने दिखाया था, उसके अगेंस्ट में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था मुस्लिमों का, और उसका कॉन्फ्रेंस का जो है प्रेसिडेंट बनाया गया नवंबर 1919, दिल्ली कॉन्फ्रेंस चल रहा था वहाँ का, ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस का, तो वहाँ पे गांधी जी को इसका प्रेसिडेंट बनाया मुस्लिमों ने। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट 1919 में हुआ। फिर 1920 से 22 तक गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करके ये मूवमेंट चलाया, अगस्त 1 से 1920 से लेकर फरवरी 1922 तक ये मूवमेंट चला, जब चौरी चौरा एक कांड हो गया, जबकि गांधी जी तो नॉन वायलेंट थे और वायलेंस को पसंद नहीं करते थे। और चौरी चौरा में क्या हुआ, जो कि एक चौरी चौरा एक जगह है छोटा सा गोरखपुर का सबर्ब है, वहाँ पे थाने के पुलिस वालों ने कुछ थोड़ा सा गोलियाँ चलाई थी
ठीक है, जिसके अगेंस्ट में पूरी भीड़ जो है काफ़ी वो हो गई, गर्म हो गई, काफ़ी माहौल जो है गर्म हो गया, और वहाँ की जो आम जनता है जो सत्याग्रही थे वो कंट्रोल में नहीं रह पाए, और उन्होंने जो है पूरा चौरी चौरा जो है पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी पुलिस थे उनको घेर के आग लगा दिया और उनकी मृत्यु हो गई, जिसको एक वायलेंट मूवमेंट की तरफ देखा गांधी जी ने। और ये इंसिडेंट हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और यही कारण था कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल पॉलिटिक्स अंडर गांधी जी, पहला मास बेस्ड जो है मतलब कि पूरी जनता इसमें काफ़ी संख्या में इन्वॉल्व थी, ये गांधी जी का पहला मास बेस्ड पॉलिटिक्स था। फिर 1924 में कांग्रेस का एकमात्र सेशन जो कि बेलगांव में हुआ था, बेलगांव सेशन के प्रेसिडेंट बने ये गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव सेशन के, बेलगांव पड़ता है कर्नाटक में और ये महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पे पड़ता है। पहली बार जो है गांधी जी ने पहली और आखिरी बार यहाँ पे कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप संभाली थी। ठीक है, फिर आता है अगला 1914, ये 1924 सॉरी, इसको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है कि एक ही मात्र जैसे उन्होंने प्रेसिडेंटशिप किया था ना, तो ये पूछ लेता है। फिर 1925 से 27 तक गांधी रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, बोले कि अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहूँगा, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में मैं इन्वॉल्व रहूँगा ऑफ कांग्रेस, एंड गांधी रिज्यूम एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1927। फिर आता है 1930, इसमें 1925-27 में खादी वादी ये सब तमाम चीज़ें की इन्होंने। फिर 1930 से 1934 तक इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, और फेमस इनका एक दांडी मार्च जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने किया, 12 मार्च को ये निकले साबरमती आश्रम से और दांडी पहुँचे ये फाइनली, यहाँ पे 5 मार्च नहीं 6 मार्च होगा, 6 मार्च को पहुँचे वहाँ पे, 6 मार्च को ही जो इन्होंने, अच्छा सॉरी, ये जो सत्याग्रह का ये दिखा रहा है कि इसमें जो है अगर मतलब उस मार्च की बात करें तो 12 मार्च को निकले थे और 6 अप्रैल को पहुंचे थे वहाँ पे, बट यहाँ पे ये पहला फेज बताया जा रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, तो ये सही है। मार्च 12, 1930 से लेकर मार्च 5, 1931 तक ये फेज था, पहला फेज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, पहला फेज जब चला। उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुँचे गांधी जी का उस समय लॉर्ड इरविन जो वायसराय था उसके साथ एक पैक साइन हुआ, जिसमें गांधी जी और उसने समझौता हुआ दोनों के बीच में। गांधी जी ने डिमांड डाला था कि भाई हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ा जाए, नमक कानून पे जो नमक टैक्स है उसको हटाया जाए, क्योंकि नमक जो है हर इंडियन के और हर इंडियन फूड का जो थाली है उसका एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है। तो ये सब हुआ, तो और बदले में उन्होंने ब्रिटिश की तरफ से इरविन ने बोला कि ठीक है ये सब मान लेंगे, बट तुम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करोगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्थगित करोगे। तो ये पहला फेज, ठीक है। मैन ऑफ द ईयर गांधी जी हैज़ चूजन बाई द टाइम मैगजीन एज देयर मैन ऑफ द ईयर 1930 में, आफ्टर डांडी मार्च टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, मैन ऑफ द ईयर चुना किसने, टाइम्स मैगजीन ने। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ मार्च 5, 1931 को, और गांधी जी जो है राजी हो गए कि ठीक है भाई आज एक कांग्रेस की तरफ से मैं जाऊंगा, अटेंड करूंगा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में, एज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस पहुंचे थे वहां पे। और कांग्रेस ने इनफैक्ट 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए उसमें मात्र और मात्र एक ही में प्रेजेंट रहे, सेकेंड वाले में। फिर आता है सितंबर 7 से लेकर दिसंबर 1, 1931 तक जो है ये कॉन्फ्रेंस चला, और इसमें गांधी जी को सफलता नहीं मिली, काफ़ी निराशा हासिल हुई। सेकेंड फेज जो आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ये 3 जनवरी 1932 से लेकर 17 अप्रैल 1934 तक चला। ठीक है, 1934 से 1939 तक गांधी जी ने फिर से एक बार एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लिया, एंड ही सेटअप सेवाग्राम जिसे हम कहते हैं, वर्धा आश्रम में सेवाग्राम का, इन्होंने वर्धा पहुंच गए और वर्धा पहुंच के इन्होंने हरिजनों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे सेवा ग्राम वर्धा आश्रम में बनाया। 1939 में अगेन गांधी जी ने एक्टिव पॉलिटिक्स को रिज्यूम किया अपना, और 40-41 में इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट जारी किया। ठीक है, और पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही बने वो आचार्य विनोबा भावे थे,
आचार्य विनोबा भावे थे जो पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे और दूसरे जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये सब कहानी हुई 1940-41 में इंडिविजुअल सत्याग्रह, मास मूवमेंट को छोड़ के इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, जो कि बहुत ज़्यादा तो सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक है। 1942 में इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉल दिया, फॉर विच गांधी जी रेज्ड द स्लोगन डू और डाई। बोले अब समय आ गया है, या तो करो या मरो, वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटैम्प्ट। तो गांधी एंड ऑल कांग्रेस लीडर को एक ऑपरेशन जीरो चला के सुबह सुबह अरेस्ट कर लिया गया इनको, ठीक है, अगस्त 9, 1942 को। 8 अगस्त को इन्होंने ये प्रोक्लेम किया था कि डू और डाई, करो या मरो, क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, ये सब चीज़ें हुई। और अंग्रेज़ों को पता चल गया कि बहुत बड़ा मूवमेंट हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि सभी बड़े नेताओं को एक ही साथ अरेस्ट कर लो। सुबह सुबह अर्ली आवर में ऑपरेशन जीरो चला के बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट करके जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। फिर आता है 1942-44 का फेज, जिसमें गांधी जी केप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस। और ये आगा खान पैलेस जो है, ये इसका नाम अभी बदल के रख दिया गया है गांधी नेशनल मेमोरियल। ये पड़ता है नियर पुणे, ठीक है। अगस्त 9, 1942 से लेकर मई 1944 तक गांधी जी को इसी जेल में रखा गया। इसी दौरान गांधी लॉस्ट हिज वाइफ, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है फरवरी 1944 में, 22 फरवरी को। एंड प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे इनके, महादेव देसाई का भी देहांत हो जाता है। दिस वॉज गांधी जी लास्ट प्रिजन टर्म, गांधी जी का आखिरी जेल का टर्म था, उसके बाद जेल नहीं हुआ इनको। 1945 में गांधी जी का जो इन्फ्लुएंस था कांग्रेस, वो काफ़ी डिक्लाइन कर गया। कांग्रेस में अब उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, ठीक है। 1945 के बाद कांग्रेस में इनकी वैल्यू काफ़ी कम हो गई, रुतबा काफ़ी कम हो गया। 1946 में ही डीपली डिस्ग्रेस्ड बाई ऑर्गी ऑफ कॉम्युनल वायलेंस, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे का जो कॉल था मुस्लिम लीग का, उसके वजह से बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, इन सब रीजन में, नोआखली जो कि ईस्ट बंगाल में पड़ता था उस समय, प्रेजेंटली बांग्लादेश में पड़ता है, बाद में कलकत्ता में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्युनल जो है वायलेंस हुए, बट धीरे धीरे करके गांधी जी के एफर्ट की वजह से कॉम्युनल पीस जो है रीस्टोर किया गया। तो उसमें ये बेचारे घूमते रहे और काफ़ी इनको जो है डिस्ट्रेस फील किया इन्होंने। 1947 में गांधी डीपली डिस्ट्रेस्ड बाय द माउंटबेटन प्लान, जो कि पार्टीशन प्लान था, जिसमें दो कंट्रियों में बांटने का प्लान बन गया। 3 जून 1947 को ये योजना आया। वाइल स्टेइंग इन कलकत्ता टू रिस्टोर द कॉम्युनल वायलेंस, ऑब्जर्व्ड कंप्लीट साइलेंस ऑन द डाउन ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। जब भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू ने ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का जो एक फेमस लेक्चर है वो दिया था, बट गांधी जी बिल्कुल जो है शांत रहे उस समय, कुछ नहीं इन्होंने कहा, क्योंकि इनको लग रहा था कि वायलेंस जो हो रही है उसको संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये कोई खुशी की बात नहीं है कि फ्रीडम तो मिला बट विथ पार्टीशन मिला। एंड गांधी जी फाइनली रिटर्न हुए सितंबर 1947 में दिल्ली में। और 1948 में गांधी जी वॉज शॉट डेड बाई नाथूराम गोडसे वाइल ऑन हिज वे टू इवनिंग प्रेयर मीटिंग, जो कि बिरला हाउस में कंडक्ट करते थे ये न्यू दिल्ली में। जनवरी 30, 1948 को इनकी गोली मार के हत्या कर दी नाथूराम गोडसे ने। तो जब ये बेचारे मर रहे थे, व्हेन ही वाज डाइंग विथ हे राम ऑन हिज लिप्स, हे राम हे राम हे राम करके इनकी मृत्यु फाइनली हो गई। गांधी हैड सजेस्टेड द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर इंडिया अटेंडेड। गांधी हैड सजेस्टेड दैट द वाइंडिंग अप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, बोले इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर देना जब भारत आज़ाद हो जाए, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस आज भी जिंदा है, इवन आफ्टर 80 अप्रॉक्सीमेटली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है दोस्तों, 80 के आसपास ईयर्स के इंडिपेंडेंस के बाद भी 75, 76, 77 तो इस तरीके के बाद एसोसिएशन था, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड कन्वर्टिंग इट इनटू लोक सेवक समाज में, बोला कि इसको इंटरनेशनल कांग्रेस को लोक सेवक समाज में कन्वर्ट कर देना।
नाउ विल सी सम फैक्ट्स अबाउट गांधी जी। सो इनका डेट जो है जन्म का वो है अक्टूबर 2, 1869 में इनका जन्म हुआ, पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, पोरबंदर जो कि गुजरात में पड़ता है, ठीक है, एक कोस्टल एरिया है ये पोरबंदर। एंड इनका बर्थडे जो है, 2 अक्टूबर, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कमेमोरेट करते हैं, मनाते हैं गांधी जयंती के रूप पे, ठीक है, नेशनल हॉलीडे भी है एंड वर्ल्ड वाइड जो है एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के तौर पे भी इसको मनाया जाता है। इतने फेमस व्यक्तित्व थे ये, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के नाम से भी इसको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इनके पिताजी का क्या नाम था? इनके पिताजी का नाम था करमचंद्र गांधी, और इसीलिए गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम था पुतली बाई, और स्पिरिचुअल गुरु इनके जो थे वो रामचंद्र भाई थे, रामचंद्र भाई स्पिरिचुअल गुरु। इनके दो गुरु थे, एक तो स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल, तो स्पिरिचुअल वाले रायचंद भाई इनके थे, और जो पॉलिटिकल गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और ऐसा अगर पूछा जाए कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, तो वो थे एम जी रनाडे साहब। इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, जो कि 1917 से 1942 तक इनका पीरियड रहा, और प्यारेलाल नैयर 1942 से 1948 तक, ठीक है। फिर आता है लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी जी, लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस ऑन गांधी देख लेते हैं एक बार। तो लिटरेरी इन्फ्लुएंसेस की बात करें गांधी जी के, तो हेनरी सॉल्ट की प्लिया फॉर वेजिटेरियनिज्म, जॉन रस्किन की अनटू दिस लास्ट, एंड इमर्शन थ्योरियो की ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, ये सब कुछ किताबें हैं। लियो टॉल्स्टॉय की द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एंड इन सब किताबों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी जी अपने लाइफ में, जिसमें ये वाला जो है लियो टॉल्स्टॉय का द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। द बाइबल एंड द गीताज, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। अब कुछ इनके खुद के लिटरेरी वर्क्स थे, जैसे गाइड टू लंदन इन इंग्लिश, ये जो है 1893 में इन्होंने लिखी थी, बट पब्लिश हुई इनके मरणोपरांत पोस्थोमसली। सर्वोदय इन्होंने 1908 में लिखी थी, ट्रांसलेशन ऑफ अन टू दिस लास्ट इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था, एंड गुजराती में किया गया, ठीक है, हिंद स्वराज को गुजराती में जनवरी 1910 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया इंडियन होम रूल के नाम से मार्च 1910 में। फिर आता है सत्यायन प्रयोगा 1898, आत्मकथा इन गुजराती में लिखी इन्होंने 1929 में, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ महादेव देसाई के द्वारा, ठीक है, महादेव देसाई ने जो है ऑटोबायोग्राफी इनकी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और ऑटोबायोग्राफी 1929 में, इसका हिंदी ट्रांसलेशन सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा 1929 में इसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ। इट रिवील्स इवेंट्स ऑफ गांधी जी लाइफ अप टू 1921 एंड इन सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन 1934 में ट्रांसलेशन किया गया इसका, इंडियन लिरिक्स मेड इन जेल, ठीक है। तो ये कुछ इनके खुद के लिटरेरी वर्क्स थे। एज एन एडिटर इन्होंने इंडियन ओपिनियन को, न्यूज़पेपर था ये, एडिट किया 1903 से लेकर 1915 तक। ये उस समय जो थे ये उस समय साउथ अफ्रीका में थे, तो ये साउथ अफ्रीका में एडिट करते थे इस इंडियन ओपिनियन को इन इंग्लिश, एंड गुजराती में भी किया इन्होंने फॉर शॉर्ट पीरियड हिंदी और तमिल में भी। फिर आता है हरिजन को 1919 से लेकर 31 तक इन्होंने एडिट किया इंग्लिश में, और गुजराती हिंदी में भी छपता था ये। यंग इंडिया 1933 से 42 तक इंग्लिश गुजराती में भी दोनों में छपता था। नेम्ड नवजीवन भी इन्होंने किया, ठीक है। तो ये सब कुछ किताबें जो न्यूज़पेपर वगैरह जिसके ये एडिटर है, मैगजीन न्यूज़पेपर, अदर नेम्स जो है इनका महात्मा गांधी का, इनका महान महात्मा भी बोला गया, ग्रेट सेंट, ठीक है।
किसने बोला? परजीवन मेहता ने 1909 में बोला। फिर आते हैं महात्मा का टाइटल जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में दिया इनको। मलंग बाबा या फिर नंगा फकीर जो है कबायली जो थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के, उन्होंने इनको टाइटल दिया। हाफ नेक्ड फकीर या फिर सेंट जो है अर्ध नंगा फकीर, ये टाइटल जो है इंडियन फकीर अर्ध नंगा फकीर विंस्टन चर्चिल ने दिया 1931 में। फिर आता है राष्ट्रपिता का टाइटल जो है, फादर ऑफ नेशन का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में दिया था। ये सुभाष चंद्र बोस वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, और विंस्टन चर्चिल वाला भी हाफ नेक्ड फकीर। ही इज ऑल्सो कॉल्ड बापू, ठीक है, बापू भी इनके, बापू जो है एक गुजराती टर्म है, इसका मतलब होता है फादर, एंड गांधी जी के भी टाइटल से इनको नवाजा गया है। फिर आती है इनकी बायोग्राफी ऑफ गांधी जी। एम के गांधी की बात करें, एम के गांधी इनकी बायोग्राफी थी एन इंडियन पार्ट इन साउथ अफ्रीका, जोसेफ जे डोक ने लिखी है, 1909 में पब्लिश हुई। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी थी ये। उसके बाद लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लुइस फिचर ने लिखी 1950 में। द फर्स्ट फुल बायोग्राफी जो थी गांधी जी की ये थी, और गांधी बिफोर इंडिया 2013, और गांधीज द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड 2018 में रामचंद्र गुहा ने लिखी है। तो ये इनकी बायोग्राफी जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी है। फिर आता है मेन इवेंट्स ड्यूरिंग गांधीयन एरा। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एरा आ जाता है गांधीयन एरा, इसमें जो मेन इवेंट्स हुए उसको एक एक करके देखेंगे हम, ठीक है, एक एक करके देखेंगे। फिर सबसे पहले इसमें आता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है 1919 का एक ड्रैकोनियन एक्ट था, ठीक है, जिसमें जो भी सत्याग्रही होते थे, जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट को कर रहे थे, उनका अरेस्ट बिना ट्रायल के करने का प्रावधान था, सेडिशन का चार्ज लगा के। सो ड्यूरिंग द वायसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड चेम्सफोर्ड ए सेडिशन कमिटी वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट 1918 में, एंड इसका जो हेड बनाया गया जस्टिस रॉलेट को इसका हेड बनाया गया, और इसी के रिकमेंडेशन पे, ताकि कर्ब किया जा सके सेडिशियस जो एक्टिविटी चल रही थी इंडिया में, रॉलेट एक्ट आया 1919 में। एंड इट गेव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट द इम्प्रिजन अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट। अब वो चाहे गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, सस्पेक्ट है, विदाउट ट्रायल उसको अरेस्ट कर लिया जा सकता था, ये प्रावधान आया, जो कि काफ़ी ड्रैकोनियन एक्ट था। द एक्ट कॉज्ड ए वेव ऑफ एंगर अमंग द पीपल, लोग काफ़ी नाराज हुए। इवन बिफोर द एक्ट वॉज पास्ड पॉपुलर एजिटेशन बिगैन अगेंस्ट इट, ठीक है, अभी पास भी नहीं हुआ था तब भी पॉपुलर जो है एजिटेशन शुरू हो गया। एंड गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस एक्ट एंड ही गेव द कॉल फॉर सत्याग्रह ऑन April 6, 1919। ही वॉज अरेस्टेड ऑन April 8, 1919 को इनको अरेस्ट कर लिया गया। दिस लेड टू फर्दर इंटेंसिफिकेशन ऑफ एजिटेशन इन दिल्ली अहमदाबाद एंड पंजाब, और इसी दौरान डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का अरेस्ट हो जाता है, जिसके अगेंस्ट में जो है रॉलेट एक्ट से कनेक्शन था इन दोनों का, जिसके अगेंस्ट में पीसफुली पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट कर रही थी जालियांवाला बाग मासेकर में, जालियांवाला बाग में, जब ये घटना हो गया जालियांवाला बाग मासेकर का। ये दिन था 13 अप्रैल, बैसाखी का दिन था, काफ़ी शुभ दिन माना जाता है, बट इस दिन बहुत ही अशुभ घटना हो गई, ठीक है। तो एक पब्लिक मीटिंग वाज हेल्ड ऑन April 13, जो कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के अरेस्ट पे किया गया था, 13 अप्रैल 1919 को ये किया जा रहा था। एक पार्क था जिसे हम जालियांवाला बाग के नाम से जानते हैं, अमृतसर के पास पड़ता है, वे थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन असेंबली की इन्होंने। बिफोर द मीटिंग कुड स्टार्ट जनरल जो था वहाँ का, उस समय का जनरल जो था उसका नाम है R.E.H. डायर, एडवर्ड हैरी डायर भी बोलते हैं, माइकल डायर नहीं है ये, एडवर्ड हैरी डायर है। ऑर्डर इनडिस्क्रिमिनेट हेवी फायरिंग ऑन क्राउड, जो कि निहत्थे लोग थे, एक ही गेट था, गेट को बंद करके इसने ओपन फायर करवा दिया इनके ऊपर। दे हैड नो वे आउट टू एस्केप, एज द रिजल्ट हंड्रेड ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर किल्ड एंड मोर देन 1200 पीपल वुंडेड। एट दैट टाइम माइकल ओडायर वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। द मासेकर वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन
Indo-British relations and inspired the people to provide a more unrelenting fight for freedom. इससे क्या हुआ ना कि लोगों में और क्रोध आया कि भाई देखो ये तो हमें निहत्थों पे इतना बड़ा कांड कर दिया इन्होंने। यहाँ पे नोट में देखिए, सरदार उधम सिंह ने ही, जो कि एक उस समय पंजाब के पैट्रियोट थे, बिलोंग करते थे पंजाब से, ही शॉट डाउन माइकल ओडायर इन लंदन इन 1940 में। माइकल ओडायर उस समय पंजाब का गवर्नर था। तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ इसी के समकालीन, 1919 के बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जो खलीफा था, सुल्तान जो था तुर्की का, ही लुक्ड अपॉन बाय मुस्लिम्स एज द रिलीजियस हेड ऑल ओवर जो कंट्रियां थी, सभी मुस्लिम इसको जो है खलीफा को, जो कि तुर्की का सुल्तान होता था, उसको हेड के रिलीजियस हेड मानते थे। बट जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ टर्की वेयर थ्रेटेंड बाई ब्रिटिश देयर बाई वीकनिंग द खलीफ पोजिशन, तो खलीफ का पोजिशन जो इन्होंने काफ़ी डिक्लाइन करा दिया ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और इससे जो है इंडियन मुस्लिम काफ़ी आहत हुए और उन्होंने एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड दिखाया और खिलाफत मूवमेंट जो है शुरू हुआ। द अली ब्रदर्स, जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली, ये मेन लीडर थे इसके, दे लॉन्च्ड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920, द खिलाफत मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खलीफा, खिलाफत या खलीफा कहते हैं, खलीफा को फिर से उस गद्दी पे बिठाओ करके इन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, ही ऑल्सो लेड दिस मूवमेंट एंड इट वॉज सपोर्टेड बाई गांधी जी। गांधी जी ने इसको एक बहुत अच्छे मौके की तरफ देखा, सोचा कि हिंदू मुस्लिम जो है यूनिटी से हम रिस्टोर करेंगे और इसको अपना जो है लीडरशिप फटाक से दे दिया। फिर आता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1920 से 22 के बीच में चला। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कब हुआ? कैलकटा एक्सेशन हुआ था 1920 में, सितंबर 1920 में, जिसमें कांग्रेस ने रिजॉल्व लिया इन फेवर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के फेवर में इन्होंने रिजॉल्व लिया एंड डिफाइन स्वराज एज इट्स अल्टीमेट एम अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ठीक है, द मूवमेंट इनवाइसेज, मतलब क्या क्या टारगेट लिए मूवमेंट में, क्या क्या हुआ मूवमेंट में, ये बोला गया कि हम सब जो हैं, जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ेंगे, वो सरेंडर कर देंगे अपने टाइटल्स, ऑनरेरी ऑफिसेस एंड रेजिग्नेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड ऑफिसेस। जो भी टाइटल उनको दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जो भी ऑफिसेस उस समय होल्ड कर रहे थे अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई, उन सब से हम रिजाइन कर देंगे। दूसरा इन्होंने जो टारगेट लिया कि भाई रिफ्यूज़ल होगा टू अटेंड गवर्नमेंट दरबार्स एंड ऑफिशियल फंक्शंस एंड बाइकाट ब्रिटिश कोर्ट्स बाय लॉयर्स। लॉयर्स ने अपनी वकालत छोड़ दी। रिफ्यूज़ल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब, बोले हम जो है अब सरकारी नौकरियां भी नहीं करेंगे, मिलिट्री में भी नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार, जब हम उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, कोऑपरेट ही नहीं करेंगे, तो सरकार अपने आप ही जो है छोड़ के भाग जाएगी। हम बाइकाट करेंगे फॉरेन गुड्स का, कपड़ों का, तमाम चीज़ों का। गांधी जी अलॉन्ग विद द अली ब्रदर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट अंडर टूक ए नेशन वाइड टूर। अब देखिए, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है दोनों मर्ज हो गया था एक ही साथ, और ये दोनों स्टार्ट हुआ। द एजुकेशनल बाइकाट वॉज स्पेशली सक्सेसफुल इन बंगाल विथ पंजाब टू, पंजाब में भी ये हुआ सक्सेसफुल, रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय। पंजाब में कैसे सक्सेसफुल हुआ? क्योंकि लाला लाजपत राय उसको लीड कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम द एजुकेशनल बाइकाट, देर वॉज बाइकाट ऑफ लॉ कोर्ट्स, जिसमें लॉयर्स जो थे, मेजर लॉयर्स जैसे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरुणा सफली, ऐसे बड़े नाम इन्होंने अपना ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस जो है, ल्यूक्रेटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी इनको कमाई थी इससे, बट इन्होंने अपना ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस इस समय त्याग दिया इन फेवर ऑफ दिस मूवमेंट। एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सॉ पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, कई सारे दुकानों को पिकेटिंग हुई जहाँ पे फॉरेन क्लॉथ्स सेल किए जाते थे, उसकी पिकेटिंग मतलब घेराव करके उसको बंद किया एंड बाइकाट किया इन्होंने फॉरेन क्लॉथ का बाय द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी। अनदर ड्रामेटिक इवेंट तब हुआ जब प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट किया इंडिया में, और ये जब
लैंड किया बॉम्बे में, इंडिया में, नवंबर 27, 1921 को। ही वॉज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट्स, कोई भी इसके स्वागत के लिए नहीं गया, ड्राउंड शटर्स, सब कुछ बंद था उस समय, ठीक है, स्ट्रीट पे कोई नहीं था इसके वेलकम के लिए, जहाँ भी गया हर जगह हड़ताल मचाया गया। द अटैक ऑन लोकल पुलिस स्टेशन बाई एंग्री पीजेंट, चौरी चौरा जो है गोरखपुर के पास एक सबर्ब है, यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने जालियांवाला बाग मासेकर देखा था, तो पुलिस ने यहाँ पे अटैक किया, पुलिस ने थोड़ा बहुत अटैक किया, जिसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या किया, चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन था उसको पूरा घेर के उसमें जितने भी पुलिस वाले थे उनको बंद कर दिया और आग लगा दिया। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में ये इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को। इट चेंज्ड द होल सिचुएशन, गांधी जी का जो है शौक लगा गांधी जी को चौरी चौरा इंसिडेंट सुन के, और उन्होंने फाइनली इसी को रीजन देते हुए कि भाई मैं कभी नहीं चाहता था कि एक वायलेंट मूवमेंट हो, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को विदड्रॉ कर लिया। फिर अब क्या हो जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तो विदड्रॉ कर लिया गांधी जी के द्वारा, मूवमेंट तो विदड्रॉ हो गया, अब एक पॉलिटिकल वैकेंसी कह सकते हैं हो गई उस समय इंडिया में, ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए, फ़ायदा तो नहीं कहेंगे, इसी के दौरान स्वराज पार्टी का गठन हुआ। गांधी जी के गांधीज डिसीजन टू कॉल ऑफ द एजिटेशन कॉज फ्रस्ट्रेशन एमंग मासेस, कि अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, कितना अच्छा तो मूवमेंट चल रहा था। हिज डिसीजन केम इन सीवियर क्रिटिसिज्म, बहुत सारे लोगों ने, जैसे कि उनके कलीग्स मोतीलाल नेहरू ने क्रिटिसाइज़ किया, सी आर दास, चितरंजन दास ने क्रिटिसाइज़ किया, इवन एन सी केलकर ने उनको काफ़ी जो है क्रिटिसाइज़ किया, और इन तीनों ने मिल के ऑर्गेनाइज़ किया स्वराज पार्टी। इन्होंने बोला कि स्वराज पार्टी बनाएंगे और फिर से हम जो है इंडियन, जो ब्रिटिश इंडियन लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेशन है, वहाँ पे हम लोग लड़ेंगे और वहाँ पे सीट जीतेंगे और वहाँ पे सरकार का विद्रोह करेंगे, सरकार को बाइकाट करेंगे, हमारा एक ही काम होगा सरकार के काम को ठप करना। इस नीयत के साथ स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1923 में। द फाउंडेशंस ऑफ स्वराज पार्टी वेर लेड ऑन January 1, 1923 एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसका नाम रखा गया, एंड इट प्रपोज्ड देन एन ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम ऑफ डाइवर्टिंग द मूवमेंट फ्रॉम वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम टू रिस्ट्रिक्टिव वन विच वुड इनकरेज इट्स मेंबर टू इंटर इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए कि सरकार के लेजिस्लेटिव काउंसिल में घुसेंगे, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के द्वारा 1919 में इलेक्शन कराने का प्रावधान था, इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ पे जाएंगे ताकि हम जो है लेजिस्लेचर को रेक कर सके फ्रॉम विद इन एंड टू यूज मोरल प्रेशर टू कंपेल द अथॉरिटी टू कंसीड टू पॉपुलर डिमांड फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। बोला सरकार में ही घुस के सरकार को ऐसे काम नहीं करने देंगे, तोड़ देंगे बिल्कुल, कि हमारा जो है सेल्फ गवर्नमेंट का जो डिमांड है वो मान जाए, वो मान जाए, ठीक है। फिर आता है, इन इलेक्शन हेल्ड इन 1923 द स्वराज पार्टी कैप्चर्ड 45 ऑफ द 145 सीट्स। स्वराज पार्टी ने 145 में से 45 सीटें जीती एंड जो है घुस गए लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में। इन द प्रोविंशियल इलेक्शन दे सिक्योर्ड फ्यू सीट्स बट इन सेंट्रल प्रोविंस दे सिक्योर्ड ए क्लियर मेजोरिटी, मेजोरिटी में जीत के आए सेंट्रल प्रोविंस में, ठीक है, बट कई सारे जगह पे इन्होंने, इनको जो है मेजोरिटी नहीं मिली। इन बंगाल, बंगाल की बात करें तो स्वराज पार्टी वाज द लार्जेस्ट पार्टी, दे फॉलोड पॉलिसी ऑफ अनडाइल्यूटेड अपोजिशन, ये सरकार में घुस के सरकार को अपोज करने का काम कर रहे थे ताकि सरकार बाद में हार मान के इनको जो है सेल्फ रूल का जो है ये जो चाहते थे उसको इनके हाथ में पकड़ा दे। द स्वराजिस्ट डिमांडेड द रिलीज ऑल द पोलिटिकल प्रिजनर्स, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, रिपीलिंग ऑफ द रिप्रेसिव लॉ इम्पोज बाई गवर्नमेंट। हाउएवर आफ्टर द डेथ ऑफ सी आर दास, चितरंजन दास, 1925 में इनका देहांत हो जाता है, दे ड्रिफ्टेड टुअर्ड्स ए पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन विद गवर्नमेंट, ठीक है, बाद में इन्होंने गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना शुरू कर दिया, जो कि गांधी जी को बाद में पसंद नहीं आया। दिस लेड टू डिसेंशन एंड द पार्टी ब्रोक अप इन फाइनली 1926। इसी दौरान एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जब साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया ताकि वो
मतलब एक्चुअली 1919 का जो रिफॉर्म था, चेम्स फोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्स फोर्ड का रिफॉर्म, उसके 10 साल होने पे एक रिव्यू इनको देना था, उस पर रिपोर्ट जारी करना था साइमन कमीशन को। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि देखिए इसके बारे में लिखा गया था, अचीवमेंट एक्टिविटीज ऑफ स्वराज पार्टी हैड इंड्यूस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंड्यूस्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ डायरकी सिस्टम इन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो ये डायरकी क्या था कि प्रोविंसेस में डायरकी लाई गई थी, जिसमें डुअल गवर्नेंस टाइप का, मतलब कुछ सब्जेक्ट रिजर्व रखे गए थे, ठीक है, और कुछ ट्रांसफर्ड रखे गए थे, तो डुअल गवर्नमेंट चल रहा था वहाँ पर, जिसे हम डायरकी कहते हैं। तो इस सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए ये प्रावधान रखा गया था, और इसी के लिए ब्रिटिश मतलब गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को रिव्यू करने के लिए अपॉइंट किया था, जिसमें ऑल मेंबर जो थे वो वाइट थे, यूरोपियन थे, जिससे इंडियन को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड कि भाई इसलिए रिव्यू करना था ताकि देखा जा सके कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस हुई है इंडिया में कि नहीं है, और उसमें क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन इन नवंबर 1927 फॉर दिस टास्क, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वेर यूरोपियंस वाइट, यानी कि कोई भी इसमें इंडियन मेंबर नहीं था। अब बताओ यार, जिस कंट्री को आप उसके लिए रिव्यू कर रहे हो, उसके लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, उसमें कोई भी इंडियन नहीं रखोगे तो किसी को भी गुस्सा आएगा। एंड इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स फेल्ट इंसल्टेड एंड डिसाइडेड टू बायकॉट द कमीशन। वेर एवर द कमीशन वेंट देर वेर क्राइज ऑफ साइमन गो बैक। जहाँ भी ये कमीशन गई लोगों ने नारा दिया, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, काले झंडे दिखाए गए। इट वॉज वाइल लीडिंग ए डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन इन लाहौर दैट ए फैटल लाठी ब्लो वॉज डील्ड टू लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय उस समय लाहौर में थे और वो डेमोन्स्ट्रेशन के पार्ट थे, एज ए लीडर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे कि भाई साइमन कमीशन सही नहीं है, वापस जाओ वापस जाओ। और इन्हीं के ऊपर जो है अटैक हो गया, सॉन्डर्स नाम के एक पुलिसकर्मी ने इनके लाठी से मारा, और उस लाठी के जो है वजह से इट वॉज हिज डेथ दैट भगत सिंह एंड हिज कॉमरेड्स वेयर सीकिंग टू एवेंज वेन दे किल्ड ए वाइट पुलिस ऑफिसियल सॉन्डर। सॉन्डर ने मारा था लाला लाजपत राय को लाठी, और जिसके वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। और फाइनली जो है इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स ने मिलकर इसको मार दिया दिसंबर 1928 में। फिर आता है नेहरू कमिटी रिपोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट थी, जिसमें डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया था मोतीलाल नेहरू ने, और इनके बेटे ही इनके अगेंस्ट हो गए थे। सो द कमिटी वॉज सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रिंसिपल होगा, किस सिद्धांतों पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा बिफोर एक्चुअली ड्राफ्टिंग इट। सो द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ दिस रिपोर्ट वॉज मोतीलाल नेहरू एंड तेज बहादुर सपरू। द रिकमेंडेशंस इन्वोक्ड ए लाइवली डिबेट कंसर्निंग द गोल ऑफ इंडिया डोमिनियन स्टेटस और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो इसमें जो है नेहरू कमिटी की रिपोर्ट ने डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया था, बट ये डिबेट का मैटर हो गया कि डोमिनियन स्टेटस क्यों ले, क्यों किसी के हम डोमिनियन रहे, क्यों नहीं हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। अब जब नेहरू रिपोर्ट आया तो ये तो एज सच इसको हिंदू की तरफ से देखा गया, तो मुस्लिम लीग ने यानी कि जिन्ना ने अपना 14 पॉइंट जो है एक पेश किया। सो ये मार्च 9, 1929 को कैसा होगा जो है जो हम आज़ाद होंगे। तो जिन्ना द लीडर ऑफ मुस्लिम लीग डिड नॉट एक्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट। जिन्ना देयरफॉर ड्रू अप ए लिस्ट ऑफ डिमांड विच वॉज कॉल्ड 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। फिर होता है लाहौर सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके प्रेसिडेंट बने जवाहरलाल नेहरू। सो यही पे पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो मुद्दा है, जो डोमिनियन स्टेटस कंप्लीट वर्सेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस चल रहा था, तो यहाँ पे क्लैरिफाई हो गया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस भारत का गोल रहेगा। सो ये हुआ लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में। एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड इन लाहौर इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ट ए रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग पूर्ण स्वराज। यही पे इन्होंने घोषित कर दिया कि भाई हम कोई भी डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं लेंगे, हम लेंगे तो लेंगे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट।
एंड ऑन दिसंबर 31, 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिसंबर 31, 1929 द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड एंड जनवरी 26 वॉज फिक्स्ड एज इंडिपेंडेंस डे विच वॉज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. ठीक है, 26 जनवरी को डिक्लेयर किया गया, फिक्स किया गया कि भाई अब हर साल जो है हम इसको इंडिपेंडेंस डे की तरीके से मनाएंगे, प्लीडिंग टू पीपल नॉट टू सबमिट टू ब्रिटिश रूल एनी लॉन्गर. फिर आता है डांडी मार्च, वेरी फेमस डांडी मार्च, सॉल्ट सत्याग्रह 1930, जो कि शुरुआत था किस चीज़ का, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का. सो टू अचीव द गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, गांधी जी ने लॉन्च किया अनदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. कब? 1930 में. कब? 1930 में 12 मार्च को इन्होंने साबरमती आश्रम से अपनी यात्रा शुरू की और फाइनली ये 6 अप्रैल को वो नमक कानून को तोड़ा इन्होंने दांडी पहुंच के वहाँ पे बना के. सो गांधी लॉन्च्ड अनदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अलोंग विथ 78 फॉलोअर्स, जिसमें कुछ महिलाएं भी थी. एंड गांधी स्टार्टेड हिज फेमस मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम ऑन मार्च 12, 1934 द स्मॉल विलेज डांडी, जो कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है गुजरात में, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ. एंड गांधी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स इन 24 डेज, दैट इज इन मार्च 12 से लेकर अप्रैल 5 तक, और फाइनली जो है 6 को, अप्रैल 6 को, ऑन रीचिंग द सी शोर ऑन अप्रैल 6 ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाई पिकिंग अप सॉल्ट फ्रॉम द सी शोर. ठीक है, एंड बाई पिकिंग ए हैंडफुल ऑफ सॉल्ट गांधी इनोग्रेटेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. इसी के साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट भी हो जाता है. ये ऐसा मूवमेंट था डेट वॉज टू रिमेन अनसरपास्ड इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. फॉर द कंट्री वाइड मास पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक है, इसकी वजह से. एंड द मूवमेंट बिकम सो पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो गया ये, दैट इट स्पार्क्ड ऑफ पैट्रियटिज्म इवन अमंग इंडियन सोल्जर्स ऑल्सो इन द आर्मी. एंड द गढ़वाल सोल्जर्स जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया जब उन्हें आदेश दिया गया कि अपने ही लोगों पे पेशावर में फायर करो, तो उन्होंने मना कर दिया. इसका मतलब क्या निकला कि ये जो मूवमेंट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया था सोल्जर्स के दिलो दिमाग में भी. गांधी जी वॉज अरेस्टेड फाइनली ऑन May 5, 1930 एंड दिस वॉज फॉलोड बाई अनदर राउंड ऑफ बाइकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड इट टुक द शेप ऑफ ए नेशन वाइड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो गांधी जी तो चाहते थे कि मुझे अरेस्ट करो ताकि और जनता में आक्रोश आए, ठीक है, इन विच लेडीज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, जैसे कि धरसाना एक जो सॉल्ट फैक्ट्री थी वहाँ पे उसी दौरान गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था, बट उसको छोड़ा नहीं गया और उसमें जो है सरोजनी नायडू ने फाइनली उसको लीड किया. सून देयर आफ्टर फॉलोड रिप्रेसिव मेजर्स सच एज मास अरेस्ट, लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग एक्सेट्रा. अबाउट 1 लाख पीपल वेंट टू जेल, बहुत एक बड़ा नंबर. ठीक है, तो इतने बड़े बड़े मूवमेंट हुए हैं इंडिया में. फिर आता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो गांधी जी का ये सत्याग्रह, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो चल ही रहा था, और उधर क्या था, ब्रिटेन वाले चाहते थे कि इंडिया जो है पार्टिसिपेट करे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, जो टोटल इन नंबर 3 हुए. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया. सो द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ एंड इट वाज हेल्ड इन लंदन, जो कि नवंबर 12 से लेकर 1930 से लेकर स्टार्ट हुआ था, टू डिस्कस साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था, बट वाज टोटली बायकॉटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. द कमीशन हैड प्रपोज्ड सेल्फ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस, ठीक है, एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट एट सेंटर. बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया जो है उसका जो होगा और प्रिंसली स्टेट का जो होगा फेडरेशन बना देंगे और प्रोविंसेस में सेल्फ गवर्नमेंट दे देंगे इंडियंस को. हाउएवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम लीग, लिबरल्स एंड अदर पार्टीज हैड असेंबल्ड फॉर द डिस्कशन ऑन कमीशन रिपोर्ट, बट जो है कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था. बट इन एब्सेंस ऑफ द प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैड टू बी एडजॉर्न्ड ऑन January 2, 1931. कोई मतलब नहीं था, इसको बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया. फिर आता है गांधी इरविन पैक्ट. लॉर्ड इरविन उस समय वायसराय था इंडिया का. इसको बोला गया कि यार गांधी जी से बात करो, पैक्ट साइन करो कि गांधी को मनाओ कि कैसे भी करके ये आए और पार्टिसिपेट करे
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि नंबर टू वाली थी। सो गांधी इरविन पैक्ट, जिसे हम दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, ये साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। अर्ली 1931 टू मॉडरेट स्टेट्समैन जो थे, जो कि तेज बहादुर सपरू थे और एन आर जयकर थे, दो लोग थे, इनिशिएटेड एफर्ट्स टू ब्रिंग अबाउट रिप्रोचमेंट बिटवीन गांधी एंड द गवर्नमेंट। इन्होंने कहीं ना कहीं आपस में समंजस बनाने की कोशिश की। एंड 6 मीटिंग्स हुए वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा, और फाइनली दिस लेड टू साइनिंग ऑफ पैक्ट बिटवीन द टू, दैट इज बिटवीन लॉर्ड इरविन एंड गांधी जी। इसको हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये साइन हुआ 5 मार्च 1931 को। तो पूछ लेता ये डेट भी, वेयर बाई द कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को त्याग दिया। इस एग्रीमेंट का पार्ट था ये कि भाई ठीक है आप त्यागो और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कुछ ज्वाइन करो, और कांग्रेस ने मान लिया। और इसके एवज में गांधी जी ने मनवाया इरविन से कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होंगे उनको छोड़ोगे, एंड जो हमारा नमक कानून है उसको भंग किया जाए, नमक क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे और भी बातें मनवाई थी। दिस इज़ द वे वर्ल्ड्स एंड्स नॉट विथ बैंग बट ए विम्पर, ये गांधी जी नेहरू का रिमार्क्स था इस पर। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसके बाद 1931 में, एंड इट वॉज हेल्ड इन लंदन अगेन ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन के वायसरायल्टी में ये हुआ ड्यूरिंग सेप्टेम्बर से लेकर दिसंबर 1931 में, जिसमें गांधी जी ने इसको अटेंड किया ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सरोजनी नायडू भी गई थी। नथिंग मच वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस फॉर द इम्पेरियल लिस्ट पॉलिटिकल फोर्स विच अल्टीमेटली कंट्रोल्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंदन। तो भाई इसमें सीधे शब्दों में कहूँ तो गांधी जी को जो भी चाहते थे वो उसमें से कुछ भी इनको नहीं मिला। दिस ऑल वेर अपोज टू एनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसेशन बींग गिवेन टू इंडिया विच वुड लीड टू इंडिपेंडेंस। बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे भारत आज़ाद हो जाए। द कॉन्फ्रेंस हाउएवर फेल्ड एज गांधी जी कुड नॉट एग्री विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनल्ड ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन। रैमसे मैकडोनल्ड उस समय पीएम था और चाहता था कि जो है इंडिया को फूट डालो और राज करो की नीति पे जो है रूल करते रहें। इसीलिए बोला था कि जो तुम्हारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, या फिर अब मुस्लिम के अलावा तो मुस्लिम को तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया ही था। बाद में बोला गया कि नहीं, अब जो है ये दलितों को भी दिया जाएगा, डाउन ट्रोडन को भी दिया जाएगा। इस पे गांधी जी एग्री नहीं कर रहे थे, और इसी टर्म पे जो है ये जो है फेल हो गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो रैमसे मैकडोनल्ड ऑन हिज पॉलिसी ऑफ कॉमनल रिप्रेजेंटेशन रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बेसिक इंडियन डिमांड फॉर फ्रीडम। द कॉन्फ्रेंस क्लोज्ड फाइनली ऑन दिसंबर 1, 1931। ठीक है, क्लोज हो गया विदाउट एनी कॉन्क्रीट रिजल्ट। कोई भी इस पर ऐसा कोई बढ़िया रिजल्ट आया नहीं। फिर होता है कॉमनल अवार्ड दिया रैमन मैक्सेसे ने, मैकडोनल्ड ने, और जो है इस अवार्ड को हम मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। अगस्त 16, 1932 को यह अवार्ड जारी किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। सो वाइल गांधी वाज अरेस्टेड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन आफ्टर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने, रैमसे मैकडोनल्ड ने, अनाउंस किया अपना अवार्ड कॉमनल रिप्रेजेंटेशन का अगस्त 16, 1932 को। एंड बिसाइड्स कंटेनिंग प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, सिख एंड यूरोपियन, इट इनविसेज्ड कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस ऑल्सो। ये मेन मुद्दा था कि भाई अब जात पात पे भी तोड़ो, जाति पाति पे भी तोड़ो, निचली जाति को इनके अगेंस्ट बनाओ। तो गांधी जी को बहुत बुरा लगा। गांधी जी वॉज डीपली ग्रीव्ड बाई दिस एंड अंडरवेंट ए फास्ट अनटू डेथ इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अवार्ड सिंस इट एम्ड टू डिवाइड इंडिया ऑन कॉमनल बेसिस। ठीक है, कॉमनल बेसिस पर डिवाइड कर रहा, तो गांधी जी ने बोला कि मैं फास्ट अन टू डेथ करूँगा ये रवाड़ा जेल में। वाइल मेनी पॉलिटिकल इंडियन सॉ द फास्ट एज डाइवर्जन फ्रॉम द ऑन गोइंग पॉलिटिकल मूवमेंट, ऑल वेर डीपली कंसर्न एंड इमोशनली सेकेंड। ठीक है, क्योंकि गांधी जी मरने वाले थे इस समय। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन इंडिया मास मीटिंग टुक प्लेस, पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ डिफरेंट प्रशासंस लाइक मदन मोहन मालवीय जो कि कट्टर हिंदू थे, बी आर अम्बेडकर जो कि एक फेवर करते थे दलितों का, एंड एम सी राजा बिकम एक्टिव इन द इंड। दे सक्सीडेड इन हैमरिंग आउट एन एग्रीमेंट दैट इज नोन एज पूना पैक्ट, जो कि भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में साइन हुआ।
तो पूना पैक्ट को हम गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से भी जानते हैं और सितंबर 24, 1932 को साइन हुआ। एज डिस्कर्स जो कम्युनल अवार्ड आया था क्रिएटेड इमेंस डिससेटिस्फेक्शन अमंग हिंदूज, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि हम फर्दर टूटे। एंड गांधी हु वॉज ऑन फास्ट इन प्रोटेस्ट स्टेक्ड हिज लाइफ टू गेट अवार्ड रिपुडिएटेड, मतलब बिल्कुल मरने वाले थे ये। एंड अकॉर्डिंग टू द पैक्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास वॉज अबैंडन्ड। ठीक से इस पैक्ट के द्वारा क्या हुआ कि बोला गया कि नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट अब डिप्रेस्ड क्लास के लिए भी नहीं लाया जाएगा, इसके बदले में सीट रिजर्व कर दी जाएंगी फॉर देम इन प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, जो कि पहले 71 सीटें रिजर्व थी वो 148 कर दी गई। एंड इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है 18% टोटल कर दिया जाएगा, टोटल नंबर का 18% जो होगा डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। अल्टीमेटली द फास्ट इंडेड विद पूना पैक्ट, जिस जो कि महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ, विच एनल्ड द अवार्ड, जो कॉमनल अवार्ड था उसको एनल कर दिया इसने, मैकडोनल्ड अवार्ड को। द लीडर्स ऑफ द वेरियस ग्रुप्स एंड पार्टीज एमंग द हिंदूज एंड बी आर अम्बेडकर ऑन बिहाफ ऑफ द हरिजन्स साइन द पैक्ट, जिसमें गांधी जी एक तरफ थे, दूसरी तरफ बी आर अम्बेडकर जो कि हरिजन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। द पूना पैक्ट बिटवीन द कास्ट हिंदू एंड डिप्रेस्ड क्लासेस एग्रीड अपॉन ए ज्वाइंट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट को हटा के ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बात इसको एक्सेप्ट कर ली गई। उसके बाद आता है आखिरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि अगेन बेकार हो गया, फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगेन कोई भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंदा पार्टिसिपेट ही नहीं किया। सो ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला नवंबर 17 से लेकर दिसंबर 24, 1932 तक चला। इट वॉज हेल्ड इन 1932 बट अगेन प्रूव्ड फ्रूटलेस सिंस द नेशनल लीडर्स वेयर इन प्रिजन, उस समय सबको अरेस्ट करके रखा था, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इस साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे ही आया था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। तो सो द साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930 फॉर्म द बेसिस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। एंड द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रिसीव्ड द रॉयल एसेंट कौन से तारीख को, 4 अगस्त 1935 को। इसकी खास बात क्या थी, इसकी खास बात थी कि इसने प्रोविंस में ऑटोनॉमी जारी कर दिया, जो वहाँ पे डायर्की थी वो एबोलिश कर दी गई प्रोविंस में, ठीक है। एंड वहाँ पे ऑटोनॉमी को इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया डायर्की को ख़त्म किया गया प्रोविंस में, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाले रिफॉर्म में लाया गया था, उसको ख़त्म किया गया इसमें। एंड इट मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट सेंटर, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रावधान आए थे। सो द एक्ट कंटिन्यू एंड excluded all the existing feature of earlier constitutional reforms, but in addition there were certain new principles introduced. These provided for a federal type of government. Thus the act, जो अभी मैंने बताया, इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई, उसको थोड़ा सा ताकत दिया गया, डायर्की खत्म की गई वहाँ पे। एंड ठीक है, तीसरा जो था, इट मेड मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट सेंटर, सेंटर पे फेडरेशन लाया गया, ठीक है, जिसमें बोला गया कि ब्रिटिश इंडिया का जो है, ब्रिटिश इंडिया एक सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट प्लस जो ब्रिटिश के प्रोविंसेस हैं वो और प्लस प्रिंसली स्टेट, तीनों को मिला के एक फेडरेशन बनाया जाएगा। बट ये फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सो द एक्ट ऑफ 1935 वॉज कंडेम्ड बाई नियरली ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन एंड वॉज यूनेनिमसली रिजेक्टेड बाई कांग्रेस। सो द कांग्रेस फाइनली डिमांडेड इट सेल्फ द कन्वेनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है जितने भी एडल्ट होंगे वो वोट करने का राइट हो, ताकि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी जाए और उसका काम होगा कि वो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, कि किस तरीके से भारत अपने आप को रूल करेगी कॉन्स्टिट्यूशन लाके। रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इट वॉज ए न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज, और ये बार बार पूछा गया सवाल है कि क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने भी कहा था कुछ, वो भी देखेंगे आगे। सो ऑल्दो द कांग्रेस अपोज द एक्ट, येट इट कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन अप्रैल 1, 1937। ये जब एक्ट लागू हुआ तो गवर्नमेंट ने इसका बायकॉट किया शुरू में, बट जब इलेक्शन हुआ तो उसने ज़रूर पार्टिसिपेट किया कि भाई अब क्या करेंगे, अगर नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर
हमारा जो है और भी वैल्यू कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कांग्रेस ने जो है, कांग्रेस ने कई सारे स्टेट के प्रोविंसेस को जीता और अपना शासन भी लगाया। सो एंड फॉर्म्ड मिनिस्ट्रीज, जीत गए थे इसमें कांग्रेस वाले, फर्स्ट इन 6 प्रोविंसेस एंड देन इन अनदर 2, टोटल 8 प्रोविंसेस में अपनी सरकार बनाई कांग्रेस ने। एंड द मुस्लिम लीग वॉज हाउएवर नॉट हैप्पी विद द कांग्रेस रूल, स्पेशली मिस्टर जिन्ना खुश नहीं थे। वो डिस्क्राइब्ड इट इन दोज वर्ड्स, इन्होंने बोला कि कांग्रेस वॉज ड्रंक विथ पावर एंड वॉज ऑपरेसिव अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का रंग दिखाने का एक कोशिश किया गया। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने फाइनली रिजाइन कब किया, तो 22 दिसंबर 1939 को रिजाइन कर लिया। जब सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया यूरोप में 3 सितंबर 1939 को, जिसमें ब्रिटेन घसीटा गया, ठीक है, विद इन इट्स फोल्ड, एंड इसने बोला कि हमारे साथ इंडिया भी लड़ेगा अगेंस्ट द इनेमिस। सो विदाउट कंसल्टिंग द इंडियन लीडर्स, द वायसराय डिक्लेयर इंडिया ऑल्सो एज बेलिग्रेंट कंट्री, यानी कि ये हमारे साथ लड़ेगा। दिस इन्वोक्ड शार्प क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडियंस, क्योंकि भाई हमसे कंसल्ट भी नहीं किया, तुम्हारी लड़ाई अब हम क्यों लड़े। एंड द कांग्रेस टुक द स्टैंड दैट इंडिया कुड नॉट एसोसिएट हर सेल्फ इन वॉर सेड टू बी फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम वेन द वेरी फ्रीडम वॉज डिनाइड टू हर। जब भाई हमारा ही फ्रीडम नहीं दे रहे हो तो हम क्यों लड़े आपके साथ। द कांग्रेस डिमांडेड दैट द इंडिया शुड बी डिक्लेयर्ड एन इंडिपेंडेंट नेशन, देन हम लड़ेंगे, देन ओनली वुड द कंट्री हेल्प ब्रिटेन इन वॉर। एंड इसके बाद वायसराय जो है, इन हिज रिप्लाई डेटेड 17 अक्टूबर 1939, रिजेक्टेड द कांग्रेस डिमांड एज इम्प्रैक्टिकेबल एंड टुक द स्टैंड दैट गवर्नमेंट कुड थिंक ओवर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आफ्टर द वार, लेकिन अभी हमें सपोर्ट करो, बाद में वार के बाद में हम जरूर सोचेंगे। तो कांग्रेस कंडेम्ड द वायसराय रिप्लाई एंड द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एवरीवेयर रिजाइन कर दिया 22 दिसंबर 1939 को। जिन्ना वॉज हैप्पी ओवर दिस एंड ही कॉल्ड अपॉन द इंडियन मुस्लिम टू सेलिब्रेट द रेजिग्नेशन डे ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज एज द डे ऑफ डिलीवरेंस। डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे जिन्ना ने इसको मनाया। तो ये भी पूछ लेता है कि डे ऑफ डिलीवरेंस कब मनाया गया था, तो आंसर होगा जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन किया था। फिर आता है पाकिस्तान रिजोल्यूशन, लाहौर रिजोल्यूशन जिसे कहते हैं, जो कि 1940 में मार्च 24 को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। सो इट वाज इन 1930 दैट इकबाल, एक इकबाल नाम के व्यक्तित्व ने सजेस्ट किया था यूनियन ऑफ फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, सिंध और कश्मीर, इन सबको मिला के मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन बनाया जाए, एंड इसी को पाकिस्तान का नाम दिया गया था बाद में। दिस प्रूव टू बी क्रिएटिव आइडिया विच जर्मिनेटेड ड्यूरिंग द अर्ली 30s टू बर्स्ट इनटू वेरियस लाइफ विथ द एडवेंट ऑफ न्यू रिफॉर्म्स। द आइडियलिस्ट जो थे, जैसे कि चौधरी रहमत अली, डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्शन एट कैम्ब्रिज वेयर ही इंस्पायर्ड ए ग्रुप ऑफ यंग मुस्लिम एंड इन्वेंटेड द टर्म पाकिस्तान, दैट इज लेटर इसी को पाकिस्तान बोला गया इन 1935। तो रहमत अली का नाम जो पहली बार जो है पाकिस्तान यूज करना किसी ने किया, तो वो रहमत अली ने, याद रखना। आइडिया इकबाल का था कि, बट उसने ये जो पाकिस्तान टर्म यूज नहीं किया था। सो हिज आइडिया सीम्ड विजनरी ड्यूरिंग दैट टाइम, बट विद इन 7 ईयर्स जो है 42 तक आते जाते, दे टर्न इंटू पॉलिटिकल प्रोग्राम बाई जिन्ना विद द न्यू नेम एज इट्स स्लोगन और बैनर, पाकिस्तान पाकिस्तान मांग करने लग गए। सो द आइडियोलॉजी ऑफ इकबाल, द विजन ऑफ रहमत अली एंड द फियर्स ऑफ मुस्लिम्स वेयर दस यूनाइटेड बाई द प्रैक्टिकल जीनियस ऑफ जिन्ना टू बाइंड मुस्लिम टूगेदर एज नेवर बिफोर ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड एंड अल्टीमेटली लेड टू वीवी सेक्शन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान बना बाद में, है ना। पाकिस्तान का रिजोल्यूशन जो लिया गया वो लाहौर सेशन जो था मुस्लिम लीग का, मार्च 24, 1940 को पास किया गया, जिसे हम पाकिस्तान रिजोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एंड इसने रिजेक्ट भी किया फेडरल स्कीम को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाई गई थी। बोला कि हम इसके पार्ट नहीं हैं, हम तो अपना पाकिस्तान बनाएंगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का, 24 मार्च 1940 वाला।
अब देखो यहाँ पे भारत जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट मदद नहीं कर रही थी वार में, तो लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अगस्त ऑफर दिया, एक मतलब कि कैसे भी लेमन चूस खिला के इनको जोड़ लो अपने साथ। तो अगस्त ऑफर आया जिसे हम लिनलिथगो ऑफर भी कहते हैं, 8 अगस्त 1940 को ये आया था। ऑन 8 अगस्त 1940 द वायसराय उस समय का लिनलिथगो केम आउट विथ सर्टेन प्रपोजल्स नोन एज अगस्त ऑफर, ठीक है, डिक्लेयरिंग दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टू इस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया। बोला कि हम चाहते हैं कि इंडिया में डोमिनियन स्टेटस देके इंडिया को आज़ाद करें। एंड इट एक्सेप्टेड दैट द फ्रेमिंग ऑफ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियंस, अपना कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस खुद बनाएंगे, ये अगस्त ऑफर में बोला गया। इट ऑल्सो लेड डाउन दैट फुल वेट वुड बी गिवन टू व्यूज ऑफ माइनॉरिटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे खेल खेल गया कि माइनॉरिटीज़ को वेटेज दिया जाएगा, माइनॉरिटी मुस्लिम भी अपने आप को समझते थे, दलित भी समझते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे, प्रेसिडेंट थे ये कांग्रेस के, इन्होंने रिजेक्ट किया अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया, विच एम्ड एट ब्रिंगिंग द कांग्रेस इन ऑन गोइंग वर्ल्ड वार। ये चाहते थे कि वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट करे ये हमारा लेमन चूस लेके, तो इसको रिजेक्ट कर दिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने उस समय। द मुस्लिम लीग हाउएवर वेलकम द ऑफर एज इट इंश्योर दैट नो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अडॉप्टेड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ मुस्लिम। देखो इसमें खेल खेला था, फूट डालो राज करो वाला। द लीग डिक्लेयर दैट द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडियाज फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी सॉल्व ओनली बाई पार्टीशन ऑफ इंडिया। अगेन पाकिस्तान का डिमांड बहुत जोरों शोरों से फैलने लग गया। इन ब्रीफ अगस्त ऑफर फेल्ड इन गेनिंग इंडियाज कोऑपरेशन फॉर वार एंड इन फैक्ट फर्दर वाइडेंड द गल्फ बिटवीन कांग्रेस एंड द ब्रिटिशर्स एज वेल एज बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों के बीच में जो है द्वेष की भावना और बढ़ गई। फिर आता है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह, ये गांधी जी के इनिशिएटिव पे किया गया। अक्टूबर 1940 से लेकर दिसंबर 1941 तक चला। पहले जो सत्याग्रही थे, इंडिविजुअल सत्याग्रही, वो थे आचार्य विनोबा भावे। सो द कांग्रेस वर्किंग कमिटी डिसाइडेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि उस समय मास डिसोबीडियंस करना ठीक नहीं लग रहा था गांधी जी को, तो बोला इंडिविजुअल करो। ये 17 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही हु वॉज अरेस्टेड ऑन 21 अक्टूबर, फॉलोड सून मेनी मोर इंक्लूडिंग नेहरू। नेहरू जो थे दूसरे सत्याग्रही थे इंडिविजुअल, फिर बाद में पटेल भी अरेस्ट किए गए। बट द मूवमेंट क्रिएटेड लिटिल एंथुजियाज्म एंड गांधी सस्पेंडेड इट। बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा नहीं हुआ, गांधी जी ने इसको सस्पेंड कर दिया। फिर आया क्रिप्स मिशन, जिसके फेल्योर पे क्या हुआ, अगस्त क्रांति हुई, या फिर जिसे हम कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट चला। तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो जब हम चर्चा करते हैं क्रिप्स मिशन की, तो हम एक फेल्ड मिशन की चर्चा करते हैं, क्योंकि ये फेल हो गया था। बट इम्पॉर्टेंट तो है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट इसके बाद ही स्टार्ट हुआ था। तो ये मार्च अप्रैल 1942 में आया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, ठीक है। एंड 1942 में आया, द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज दैट इट कुड नॉट इग्नोर द इंडियन प्रॉब्लम्स एनी मोर, क्योंकि एक तो ये खुद ही वर्ल्ड वार में इंगेज थे और दूसरी तरफ से इंडियंस भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो इनको काफ़ी दिक्कतें फील हो रही थी। एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्ल्ड वार द सिचुएशन वॉज शेन फॉर ब्रिटिश विथ जापानीज एडवांस टूअर्ड्स इंडियन बॉर्डर्स। उस समय सिक्किम तक पहुँच गई थी जापान और इंडियन बॉर्डर्स को क्रॉस करने वाली थी, तो जापान का एग्रेशन जो था वो ब्रिटिशर्स को दिख रहा था। एंड बाई मार्च 7, 1942 रंगून फेल एंड जापान ऑक्यूपाइड द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट विथ व्यू टू गेटिंग कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस सेंट स्टैफोर्ड सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट टू इंडिया टू सेटल टर्म्स विथ इंडियन लीडर्स हु वेर फोर्थविथ रिलीज्ड। उस समय जो रिलीज कर दिए गए थे गांधी जी वगैरह सब। सो क्रिप्स मिशन जो है, इसने भी डोमिनियन स्टेटस प्रपोज किया, जिसको अगेन बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया। डोमिनियन स्टेटस आफ्टर द वार, बट दिस प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय ऑल पॉलिटिकल लीडर्स एज नो पार्टी एग्रीड टू एक्सेप्ट दीज प्रपोजल्स। द क्रिप्स मिशन एंडेड इन फेलियर अगेन। एंड रिगार्डिंग द क्रिप्स मिशन,
जो ये महात्मा गांधी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आया था जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इन्होंने क्रिप्स मिशन प्रपोजल को बोला था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन क्रम्बलिंग बैंक, जिसके पास ऑलरेडी पैसा नहीं है वो एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है हमें। सो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ 1942 में ऑन द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। सो अगस्त 8, 1942 को कांग्रेस ने एक मीटिंग रखी बॉम्बे में, ग्वालिया टैंक एक जगह है वहाँ पे, एंड इट पास्ड रिजोल्यूशन नोन एज क्विट इंडिया रिजोल्यूशन। क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी दिया गया और क्विट इंडिया रिजोल्यूशन जो है पास हो जाता है, वेयर बाई गांधी जी आस्क द ब्रिटिशर्स टू क्विट इंडिया एंड गेव ए कॉल फॉर डू और डाई फॉर दिस पर्पस। बोला उन्होंने कि वी सेल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन दिस अटेम्प्ट। तो बोला कि भाई डू और डाई, अभी ऐसा टाइम आ गया, करो या मरो, अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये पूरी कंट्री में जितने भी लोग थे उनको दिया इन्होंने। एंड ऑन अगस्त 9, 1942 ऑल द प्रोमिनेंट लीडर, अब गवर्नमेंट को पता चल गया था कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करेंगे जिसे हमें काफ़ी दिक्कतें होंगी और इसमें लीडर्स सब पार्टिसिपेट करेंगे, तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुबह सुबह जीरो आवर के नाम से एक ऑपरेशन चलाया और जितने भी टॉप नॉच के जो उस समय के लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया, लाइक गांधी जी, नेहरू, पटेल, दिस ऑल वेयर अरेस्टेड, बट रेस्ट जो थे जैसे कि जेपी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, उषा मेहता जिन्होंने एक सीक्रेट रेडियो भी चलाया स्टेशन, ये सब को अरेस्ट नहीं कर पाए। एंड दे कंटिन्यूड द रिवोल्यूशनरी स्ट्रगल, वायलेंस पूरे इंडिया में फैल गया थ्रू आउट द कंट्री एंड गांधी जी ने इसको कुछ बोला भी नहीं क्योंकि उनको पता था कि मुझे अरेस्ट करोगे तो भाई वायलेंस तो होगा ही। सेवरल गवर्नमेंट ऑफिसेज वेर डिस्ट्रॉयड एंड डैमेज्ड, द टेलीग्राफ वायर्स वेर कट एंड कम्युनिकेशन पैरालाइज किया गया, साथ में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, जिस जिस जगह पे बनाई गई उसका एक बार नाम बता देता हूँ। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को हम नहीं मानेंगे, हम अपनी पैरेलल सरकार बना रहे हैं, जैसे कि बलिया में, बलिया यूपी में पड़ता है, चित्तू पांडे यहाँ पे इन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट बनाया था और ये फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट था। फिर आता है तामलुक में जो कि मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बंगाल में, ये सतीश सामंत ने बनाया था यहाँ पे। सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, यहाँ पे भी ये लॉन्गेस्ट टर्म वाली पैरेलल गवर्नमेंट थी सतारा वाली, YB छवन के द्वारा और नाना पाटिल के द्वारा ये लॉन्गेस्ट सर्विंग पैरेलल गवर्नमेंट चली थी, बहुत अच्छे काम भी किए थे। और तलचर उड़ीसा में भी, यहाँ पे भी जो है पैरेलल गवर्नमेंट बनाई गई, बाद में गवर्नमेंट ने इसे बुरी तरीके से क्रश किया, बहुत सारे लोगों की जाने गई। नोट में देखिए, क्विट इंडिया टर्म वॉज क्वाइंड बाई यूसुफ मेहर अली, ए कंपेनियन ऑफ महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी के कैंपेनियन थे यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ये टर्म को क्वाइन किया था। हालांकि अभी तक एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है, आपको क्लियरली बता रहा हूँ। फिर आता है गांधी जी का फास्ट, गांधी जी ने फास्ट रखा फरवरी 10 से लेकर मार्च 7, 1943 तक, एंड गांधी जी अंडर टूक ए 21-day फास्ट इन जेल, हिज कंडीशन डिटोरिएटेड, मरने को हो गए थे, एंड आफ्टर 13 days एंड ऑल होप्स ऑफ हिज सर्वाइवल वेयर गिवेन अप, हाउएवर ए रिजल्ट ऑफ हिज मोरल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल स्टेमिना ही सर्वाइव्ड एंड कंप्लीटेड द 21-day फास्ट। 13 दिन के बाद ही वो मरने को हो गए थे, लेकिन 21 दिन तक फास्ट उन्होंने रखा। दिस वॉज हिज आंसर टू द गवर्नमेंट विच हैड बीन कॉन्स्टेंटली एग्जॉर्टिंग हिम टू कंडेम द वायलेंस ऑफ द पीपल इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। बोला कि गांधी जी, इतना तुम बोलते थे कि भाई वायलेंस नहीं होना चाहिए और आप अब क्यों नहीं बोल रहे हो, गवर्नमेंट ने कंडेम किया, तो गांधी जी ने रिप्लाई के तौर पे फास्ट रखा। एंड गांधी नॉट ओनली रिफ्यूज टू कंडेम द पीपल रिसोर्टिंग टू वायलेंस बट अन इक्विवोकली हेल्ड द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। गांधी जी ने जवाब में कहा कि मैं क्या करूँ, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपने इसको ऐसा सिचुएशन बनाया है कि अब आप ही झेलो इसको, आपकी जिम्मेदारी, मैं कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। CR फार्मूला आया फिर 1944 में, CR फार्मूला, ठीक है, सी राजगोपालाचारी के शॉर्ट नेम पे है ये। सो इन 1944 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिसे हम CR इन शॉर्ट कहते हैं, ही प्रपोज टू अपॉइंट ए कमीशन टू डिमार्केट द डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट वेयर मुस्लिम वेयर इन मेजोरिटी, ठीक है, इन सच एरियाज, इन्होंने कहा कि प्लेबिसाइट कराया जाए। प्लेबिसाइट इज़ ए फॉर्म वेर इन जो जनता होती है वो वोट डालती है कि मैं फेवर में हूँ या अगेंस्ट में हूँ।
सो दिस वॉज प्लेबिसाइट वॉज प्रपोज टू बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज टू डिसाइड द इशू ऑफ सेपरेशन. यहाँ पे बोला गया कि सेपरेशन होना चाहिए कि नहीं, ये हम डिटरमाइन कर लेते हैं प्लेबिसाइट के हिसाब से. दे वुड बी गिवन फ्रीडम इफ दे फेवर्ड ए सोवरेन स्टेट, अगर नहीं किया तो नहीं देंगे. इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन एग्रीमेंट वॉज टू बी मेड ज्वाइंटली फॉर सेफ गार्डिंग द डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा एंड मुस्लिम लीग वॉज टू इंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस एंड कोऑपरेट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. ये सीआर फॉर्मूला था. तो जिन्ना ने इसको ऑब्जेक्ट किया, बोला कि नहीं हम नहीं मानते हैं, एज ही वॉन्टेड कांग्रेस टू एक्सेप्ट टू नेशन थ्योरी. बोला कि हम प्लेबिसाइट वगैरह कुछ नहीं कराएंगे, सीधा सीधा हमारा डिमांड है कि कांग्रेस माने कि टू नेशन थ्योरी में वो विश्वास करे, दो देश बनेगा ही बनेगा. एंड वॉन्टेड ऑनली मुस्लिम्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ इंडिया टू वोट इन प्लेबिसाइट. उसमें बोला कि हिंदू कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा. तब तो ऑब्वियसली होना ही था. हिंदू लीडर्स लेड बाय बीडी सावरकर कंडेम्ड द प्लान. फिर आया वेवेल प्लान. सीआर फॉर्मूला फेल हो गया. वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, ये भी फेल हो गया था. हालांकि ये 14 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक के इसका पीरियड चला. एंड द वॉर सिचुएशन इन यूरोपियन इम्प्रूव्ड इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर. ठीक है, डेफिनेटली इम्प्रूव हुआ क्योंकि जर्मनी धीरे धीरे हारने लग गया. एंड इंडिया गुडविल वॉज हाउएवर नीडेड एज द वॉर अगेंस्ट जापान वॉज एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर अबाउट 2 ईयर्स. इसलिए ब्रिटिशर्स को लग रहा था कि इंडिया का जो है सपोर्ट हमें मिलना चाहिए. एंड द सिचुएशन विद इन द कंट्री वॉज वर्सेनिंग डे बाई डे, एज सभी चाहते थे कि तुरंत ही हमें अब मिल जाए आज़ादी. एज ए रिजल्ट डिटेरियरेटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन एंड फेमिन्स की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ये घाटा टाइप का लग रहा था कि इंडिया में रुकना जो है घाटा टाइप का लग रहा है, तो जल्दी से उन्होंने वेवेल प्लान भेजा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू कम फॉरवर्ड विथ सम सॉर्ट ऑफ प्लान टू सेटिस्फाई इंडियंस. एंड आफ्टर कंसल्टेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियन प्रॉब्लम, लॉर्ड वेवेल उस समय के वायसराय ऑफ इंडिया हुआ करता था, ही इशूड ए स्टेटमेंट नोन एज वेवेल प्लान. वेवेल प्लान का के नाम पे एक स्टेटमेंट दिया. द प्लान विच चीफली कंसर्न्स वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्रपोज सर्टेन चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल. बोला क्या कि काउंसिल में चेंज कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं. एंड वन ऑफ द मेन प्रपोजल वॉज दैट एग्जीक्यूटिव काउंसिल वुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड गिविंग ए बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन टू मेन कम्युनिटीज इन इट, इंक्लूडिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम एंड हिंदू. सून आफ्टर द वेवेल प्लान वॉज इशूड, द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी वेयर रिलीज फ्रॉम जेल्स. ए कॉन्फ्रेंस ऑफ 22 प्रोमिनेंट इंडियन लीडर्स कॉल्ड एट शिमला टू कंसिडर द वेवेल प्लान एंड दैट रीच्ड नो डिसीजन. इसमें भी नो डिसीजन हुआ, फेल हो गया ये भी. व्हाट स्कटल्ड, क्या दिक्कत आई, द कॉन्फ्रेंस वॉज व्हाट स्कटल्ड द कॉन्फ्रेंस वॉज मिस्टर जिन्ना इनफ्लिचिंग स्टैंड दैट मुस्लिम मेंबर्स अप्रूव्ड ओनली बाय मुस्लिम लीग शुड बी इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल. ठीक है, एंड कॉम्युनलिज्म जो है दस अगेन बिकम स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर द ब्रिटिशर्स. हाउएवर द डिसेंशन बिटवीन द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वॉज सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. तो इससे ब्रिटिशर्स को ही फायदा हुआ. फिर आता है एक और इंसिडेंट, आईनी ट्रायल, जो कि नवंबर 1945 में हुआ. पी के सहगल, शाह नवाज खान एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये तीन अधिकारी थे आईएनए के, इनके अगेंस्ट में जो है ट्रायल चल रहा था. दे वर पुट ऑन ट्रायल एट द रेड फोर्ट. रेड फोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा था, जिसे फेमस एक वकील लड़ रहे थे, भूला भाई देसाई. और ये नवंबर 1945 में चल रहा था. टू इलुसिडेट डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ कांग्रेस टू विन द लीगल बैटल दैट ट्रायल ऑफ आईएनए प्रिजनर्स लेड टू देयर आउटराइट कन्विक्शन ऑन चार्ज ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट किंग एम्पायर. और इसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी कि इनको ज़्यादा वो ना पहुँचे, क्षति ना पहुँचे, ज़्यादा जो है आईएनए ऑफिसर्स को ज़्यादा कोई मतलब बड़ी सज़ा ना मिले. द प्रेशर ऑफ द इंडियन पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट दिस कन्विक्शन हाउएवर सून माउंटेड हाई. दिस सुक द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इट वॉज कंपेल्ड टू सस्पेंड द सेंटेंसेज इम्पोज ऑन द आईएनए कन्विक्ट्स. ठीक है, बहुत अच्छा डिसीजन आया इसमें. फर्दर डिससेटिस्फेक्शन स्प्रेड फास्ट एमंग द सोल्जर्स. द चीफ डिफेंस एडवोकेट ड्यूरिंग द आईएनए ट्रायल वाज भूला भाई देसाई. ये बार बार पूछा जाता है कि किसने ये लड़ाई लड़ी थी, तो ये थे भूला भाई देसाई, एक बड़े वकील. एंड अदर डिफेंस लॉयर्स वे तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू भी थे, असफ अली भी थे और मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, जो कि इनके फेवर में लड़ रहे थे.
अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा आज़ाद हिंद फौज के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, क्योंकि इसकी चर्चा हुई है. सो द जैपनीज आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश इन साउथ ईस्ट एशिया टुक ए नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स एज ए प्रिजनर्स ऑफ वार, क्योंकि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में लोग काम कर रहे थे उनको प्रिजनर बना लिया जापानियों ने. एंड इन मार्च 1942 ए कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियंस वॉज हेल्ड इन टोक्यो जापान में, एंड दे फॉर्म द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वहीं पे टोक्यो में ही. एंड एट बैंकॉक दैट इज इन थाईलैंड कॉन्फ्रेंस जून 1942 में रास बिहारी बोस ने को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ द लीग, जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाई गई थी. एंड INA वाज ए ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह. ठीक है, इनका ये ब्रेन चाइल्ड था, ये बार बार पूछा जाता है कि किसका ब्रेन चाइल्ड था, तो एक कैप्टन मोहन सिंह थे उनका ये ब्रेन चाइल्ड था. INA वाज, बट इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का क्वेश्चन आया तो उसका बताना, रास बिहारी बोस. INA वाज फॉर्म्ड बाई रास बिहारी बोस इन 1942. ठीक है, ब्रेन चाइल्ड था मोहन सिंह का, बट फॉर्म किसके द्वारा किया गया वो इम्पोर्टेंट, रास बिहारी बोस. एंड इन 1943 INA वाज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. ठीक है, तो लोगों को लगता है कि सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर होगा, कि किसने फाउंड किया था, ये गलत है, इन्होंने रीऑर्गेनाइज जरूर किया था. सुभाष चंद्र बोस हैड एस्केप्ड टू बर्लिन, बर्लिन चले गए एस्केप होके 1941 में, जो कि जर्मनी में पड़ता है, वहाँ पे हिटलर का सपोर्ट मिला इन्हें. एंड उन्होंने वहाँ पे सेटअप किया इंडियन लीग. एंड इन जुलाई 1943 ही ज्वाइंट INA एट सिंगापुर. ठीक है, देयर रास बिहारी बोस हैंडेड ओवर द लीडरशिप टू हिम. फिर आता है प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया भी फॉर्म किए जा रहे थे. एंड INA वॉज फॉर्म्ड बाई सुभाष चंद्र बोस इन सिंगापुर ऑन अक्टूबर 21, 1943, और बोला कि प्रोविजनल गवर्नमेंट हमने फ्री इंडिया का बना लिया, यहाँ से अब हम लड़ेंगे और अपना शासन छीनेंगे. INA हैड थ्री फाइटिंग ब्रिगेड्स, इसका नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड, और एक जो था रानी झांसी ब्रिगेड. इट वॉज एक्सक्लूसिव ब्रिगेड फॉर वुमेन फोर्सेस. बट विथ डिफीट ऑफ जापान, जापान हार गया 1945 में. ठीक है, एंड INA ऑल्सो डाइड आउट, क्योंकि जापान का सपोर्ट भी खत्म हो गया. बोस इज सेड टू हैव बीन किल्ड इन एन एयर क्रैश ओवर ताइपेई ताइवान ऑन हिज वे टू टोक्यो इन अगस्त 1945 में. बताते हैं कि जहाज दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, बट कुछ लोग बोलते हैं कि बाद में बहुत दिनों तक जिंदा थे, ये वो तमाम इसमें बातें हैं. फिर एक और इम्पॉर्टेंट इविडेंस होता है, इवेंट होता है रॉयल इंडियन नेवी के म्यूटनी का, रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग म्यूटनी, फरवरी 18, 1946 में हुआ था. सो ऑन February 18, 1946 बॉम्बे रेटिंग्स ऑफ एच एम एस तलवार, ये नेवी का शिप हुआ करता था, स्ट्रक वर्क, इन्होंने काम त्यागा ड्यू टू फ्लैग्रेंट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. इन्होंने बोला कि भारतीय नेवी के जो रेटिंग है और जो फॉरेन वाले हैं ब्रिटिशर्स, उनमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनका खाना जो होता है इंडियंस का वो अनप्लेटेबल होता है, स्वादिष्ट नहीं होता, बहुत बेकार होता है, एंड उनको बार बार एब्यूज किया जाता है आफ्टर द, ठीक है, एब्यूज़ किया जाता है. एंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ BC दत्त हु हैड स्क्रॉल्ड क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन द शिप. ठीक है, जब एक BC दत्त एक रेटिंग थे और उन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का जो है नारा लगाया अपने शिप पे, उसको लोगों को बताया. एंड ऑन February 19 HMS हिंदुस्तान जो था इन कराची ऑल्सो म्यूटनीड. ठीक है, HMS तलवार के बाद कराची वाला भी म्यूटनी कर दिया. वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जो है ज्वाइंटली उन्होंने रेटिंग्स को मनाया कि भाई तुम सरेंडर कर दो, ये ठीक नहीं है, क्योंकि जानते थे कि ये पॉलिटिकल हाथों से निकल के जब मिलिट्री के हाथ में चला जाएगा तो और मुश्किल हो जाएगा. एंड 23 फरवरी 1946 को इन्होंने मनाने की कोशिश की. द ब्रिटिशर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सीरियसली रियलाइज दैट विद दिस अवेकनिंग अमंग द इंडियंस एंड रिवोल्ट इन आर्म्ड फोर्सेस इट कुड नॉट परपेचुएट इट्स होल्ड ऑन इंडियन एनी मोर. ठीक है, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ, रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटनी शुरू हुई तो इंडियंस को लग गया कि अब तो और मुश्किल हो जाएगा. फिर आता है कैबिनेट मिशन, मार्च से लेकर जून 1946 में ये मिशन आया, जिसमें प्लान लाया गवर्नमेंट ने और ये सक्सेसफुल रहा था. इसके बाद ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान के बाद. सो द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड इटली थे उस समय, ही मेड ए डिक्लेरेशन ऑन March 15, 1946 दैट ब्रिटिश कैबिनेट मिशन वुड विजिट इंडिया टू मेक रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म. कैसे होगा,
कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होगा, इसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा इंडिया में। एंड इसके जो मेंबर्स थे उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर, ये स्टार लगा लो, ये तीनों के बारे में बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से मेंबर थे। दे विजिटेड इंडिया एंड मेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बट ए सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफिकल्टीज कुड नॉट बी फाउंड, उस समय तक नहीं मिला। एंड द मिशन इनवाइसेज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में ये प्रावधान आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए और अपना संविधान बनाए, ठीक है, एज वेल एज इंट्रीम गवर्नमेंट भी बना ले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के दो काम कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस प्लान के तहत, जो कि एक था कि भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, दूसरा कि साथ साथ में सरकार भी चलाओ, इंट्रीम गवर्नमेंट चलाओ जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। एंड द मुस्लिम लीग एक्सेप्टेड द प्लान ऑन June 6, 1946 वाइल मेंटेनिंग इट्स राइट ऑफ स्ट्राइविंग फॉर ए सेपरेट मुस्लिम स्टेट। बोला कि ये लाओ लेकिन हम अपना मुस्लिम स्टेट लेके रहेंगे। द कांग्रेस ऑल्सो पार्शियली एक्सेप्टेड द प्लान, तो ये प्लान सक्सेसफुल रहा। फिर आता है डायरेक्ट एक्शन डे या फिर डायरेक्ट एक्शन कैंपेन, जिसमें बहुत दंगे हुए। तो ये कैंपेन August 16, 1946 को हुआ था। दिस प्रोवोक्ड बाई द सक्सेस ऑफ कांग्रेस इन द वोटिंग फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसमें मुस्लिम लीग को जो है इतना फ़ायदा नहीं हुआ और कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस के बहुत सारे मेंबर चुन के आए। मुस्लिम लीग को लगा कि ये तो भाई फिर से हिंदू राष्ट्र बन ही जाएगा, तो उसे लगा कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब ब्रिटिशर्स भी हमारा साथ नहीं देंगे, तो अब हम करेंगे डायरेक्ट एक्शन कैंपेन। 16 अगस्त 1946 को स्टार्ट हुआ, विच रिजल्टेड इन वाइड स्प्रेड कॉम्युनल राइट्स पूरे कंट्री में, स्पेशली नोआखली और कलकत्ता वगैरह में। इंट्रीम गवर्नमेंट बनी 2 सितंबर 1946 को। यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर दो काम करते थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे और दूसरा काम करते थे इंट्रीम गवर्नमेंट चलाते थे। तो 2 सितंबर 1946 को इंट्रीम गवर्नमेंट बनी एंड कांग्रेस के मेंबर्स ने इसको लीड किया। कांग्रेस के मेंबर्स को लीड कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही ज्वाइंड इट बट मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइंट, ठीक है, इसने मुस्लिम लीग ने मना कर दिया कि अब नहीं ज्वाइन करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट विदड्रॉ इट्स अर्लियर एक्सेप्टेंस ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान ऑल्सो, बोला कि हम इसको भी अब रिजेक्ट कर देते हैं, हम कैबिनेट मिशन प्लान को भी नहीं मानेंगे, मुस्लिम लीग ने ऐसा बोल दिया। उसके बाद है फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का December 9, 1946 को। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट ऑन द फर्स्ट टाइम ऑन December 9, 1946 और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, परमानेंट, हालांकि टेम्प्रोरी सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, बट परमानेंट बनाया गया किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। एंड द मुस्लिम लीग डिड नॉट ज्वाइन द असेंबली। इटली का अनाउंसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्लेमेंट इटली जो कि उस समय का पीएम था ब्रिटेन का, सो इसका अनाउंसमेंट आया फरवरी 20, 1947 को अनाउंसमेंट आया दैट ऑन February 20, 1947 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट इटली अनाउंस्ड दैट द ब्रिटिश वुड विदड्रॉ फ्रॉम इंडिया बाई June 30, 1948 को विदड्रॉ कर जाएंगे, एक डेडलाइन दिया इन्होंने, बट इससे पहले ही विदड्रॉ हो गए। एंड द लॉर्ड माउंटबेटन वुड रिप्लेस वेवेल, ये अनाउंसमेंट आया। तो माउंटबेटन एज ए वायसराय आया इंडिया में और इसने अपना एक प्लान लाया जो कि पार्टीशन का प्लान था। तो माउंटबेटन प्लान आया June 3, 1947 को। सो इन March 1947 लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस कर दिया लॉर्ड वेवेल को एंड इसने अपना प्लान अनाउंस किया, ठीक है, कब, ये 3 जून 1947 को अनाउंस किया। एंड हिज अर्लियर प्लान जो था, जो बालकान वाला था, वाज अबैंडन्ड फॉर दिस June 3 प्लान, कि टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, ठीक है, एक बाउंड्री कमीशन बनाएंगे और बांटेंगे। सो इट ऑफर्ड ए की टू पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जो कि कई दिनों से चल रहा था, क्रिएटेड बाय रिफ्यूजल ऑफ मुस्लिम लीग टू ज्वाइन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब इनको मुस्लिम लीग को पता चला कि अब जो है दो नेशन वाली थ्योरी प्रूव हो रही है, तो ये ज्वाइन कर गए। माउंटबेटन के फॉर्मूला क्या था, इट वॉज टू डिवाइड इंडिया बट रिटेन मैक्सिमम यूनिटी, बोला कि पाकिस्तान को बहुत लिमिटेड एरिया दो और मैक्सिमम यूनिटी रखो। ये इसलिए लाया गया था ताकि ब्रिटेन जो है अभी भी यहाँ पे जो है अपनी पकड़ बनाई रहे मैक्सिमम एरिया पे, ट्रेड के थ्रू, कॉमनवेल्थ के थ्रू, है ना, तो वो नहीं चाहते थे कि तोड़ा जाए ज़्यादा इसको बाद में। सो द कंट्री वुड बी पार्टीशन बट सो वुड बी पंजाब एंड
बंगाल सो दैट द लिमिटेड पाकिस्तान दैट इमर्ज वुड मीट बोथ द कांग्रेस एंड लीग्स पोजिशन टू सम एक्सटेंट. द लीग पोजिशन ऑन पाकिस्तान वॉज कंसीडेड इन दैट इट वुड बी क्रिएटेड बट कांग्रेस पोजिशन ऑन यूनिटी वुड बी टेकन इन टू अकाउंट टू मेक पाकिस्तान एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो दोनों की बात रख ली माउंट बेटन योजना ने. एंड ही लेड डाउन डिटेल्ड प्रिंसिपल्स फॉर द पार्टीशन ऑफ कंट्री एंड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स इन द फॉर्म ऑफ डोमिनियन स्टेटस टू न्यूली फॉर्म डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड डोमिनियंस ऑफ पाकिस्तान and its acceptance by Congress and Muslim League resulted in birth of Pakistan. ठीक है, Mountbatten योजना के तहत ही पाकिस्तान का जो है बर्थ हो जाता है. फिर आता है फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते हैं. सो द बिल कंटेनिंग द प्रोविजन ऑफ Mountbatten प्लान ऑफ 3 June 1947 वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट वोटिंग के लिए ताकि पास किया जाए. एंड इट वॉज पास्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 एंड द एक्ट लेड डाउन डिटेल्ड मेजर्स फॉर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड स्पीडी ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिकल पावर्स टू न्यू गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. फिर आता है कि भैया अब आज़ाद तो हो गए 15 अगस्त को, अब इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया था कि जो रजवाड़े हैं उनके पास पावर है कि वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, बट इंटीग्रेशन इंडिया चाहती थी. सो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट कैसे हुआ वो देख लेते हैं एक बार. सो बाई अगस्त 15, 1947 ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट याद रखिएगा एक्सेप्ट कश्मीर जो कि कश्मीर ही है, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है और हैदराबाद, ये तीन स्टेट जो थे इन्होंने मना कर दिया कि हम जो है इंडिया में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा शामिल नहीं होंगे. सो द महाराजा ऑफ कश्मीर एक्सीडेड टू इंडिया फाइनली बाद में अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तानी कबाइलों ने हमला किया ना, ये डर के मारे हरी सिंह भागे भागे आए और इंडिया को अपना जो है बना लिया इन्होंने, इंडिया में मिल गए, एक्सीड कर दिया कश्मीर को इंडिया को. सो व्हेन रेगुलर पाकिस्तानी ट्रूप्स इन्वेडेड हिज स्टेट इन डर के मारे भागे भागे से आ गए. एंड जो नवाब था जूनागढ़ का वो एक मुस्लिम था, वेयर एज मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे वहाँ पे हिंदू थे. एंड इन फरवरी 1948 में थ्रू ए रेफरेंडम कराया गया जिसमें जनता से वोटिंग करा के वो लगे कि उनको ज्वाइन करना इंडिया की नहीं, रेफरेंडम कराया गया. तो जनता ने इसके फेवर में दिया कि भाई हम इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं. एंड द नवाब ऑफ जूनागढ़ देयर फॉर लेफ्ट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान चला गया छोड़ के वो. एंड निजाम ऑफ हैदराबाद जो था वो बहुत स्ट्रगल करवाया उसने. ही वॉज फोर्स टू एक्सीड फाइनली टू इंडियन यूनियन अंडर द प्रेशर ऑफ इंटरनल एनार्की एंड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट हिम इन सेप्टेम्बर 1948 को जब मिलिट्री एक्शन लिया गया उसके अगेंस्ट में तब वो जाके भारत में शामिल हुआ. फिर आता है फ्रेंच कॉलोनीज जो थी जैसे कि पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल. उस समय बाय द एंड ऑफ 1954 फ्रेंच कॉलोनियल रूल पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल वगैरह, यमन वगैरह में ख़त्म हो गया. वहाँ पे फ्रेंच का जो रूल था ख़त्म हो गया. दीज टेरिटरीज वेयर इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया फाइनली. फिर आता है पुर्तगीज कॉलोनी जो थी जैसे कि गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये भी 1954 में दादर एंड नागर हवेली को लिबरेट करा लिया गया फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा. एंड इंडियन ट्रूप्स ने गोवा, दमन एंड दीव को जो है पुर्तगीजों से लिबरेट कराया 1961 में. फाइनली सारी टेरिटरी हमारी इंटीग्रेट हो गई और हम इंडिया एज ए अखंड भारत बन गए. सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होता है, फिर आएगा मिसलेनियस इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ स्टार्ट होगा जिसका एक अलग टॉपिक करके 10 पेज का है इसे बना दूंगा. तो यहाँ पे हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन हिस्ट्री, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लेंगे. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. बाय बाय. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए.